अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कॉर्पोरेट लॉज सेफ एप टू पहली क्लास ओरिएंटेशन की, उसके लिए आप सबको खुश आमदीद है। आज हम डिस्कशन शुरू करेंगे सिर्फ चंद एक चीज़ों के ऊपर, और आज वाली बात आपने, बाकी वैसे तो आपने सारी बातें बड़े ध्यान से सुननी है, आज वाली बात आपने ख़ास तौर पे ध्यान से सुननी है। इसमें कोई ना कोई बातें ऐसी होंगी जो आपको कामयाब कराने में हेल्पफुल साबित होंगी, तो इसलिए आपकी पूरी तवज्जो चाहिए होगी। आप में से कोई लोग जो फर्म में कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में काम करते हैं ऑलरेडी, SCCP रिलेटेड काम देखते हैं, स्नैन देखते हैं, स्नैन के अलावा और कोई हिसाब जो देखते हो आप देखते हैं, तुम दोनों तो मेरे तैयार किए हुए बंदे हो, फिर मेरे तैयार किए हुए बंदों के अलावा कोई नहीं देखता। अच्छा जी, कॉर्पोरेट लॉज का पेपर इस दफ़ा आया ओपन बुक में, जो पिछली दफ़ा भी ओपन बुक में आया, तो इस दफ़ा जब ओपन बुक में आया तो काफ़ी ज़्यादा शोर इसके ऊपर हुआ कि पेपर बहुत मुश्किल था और स्टूडेंट की रीच से बहुत बाहर था। किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी थी, स्टूडेंट की रीच से तो बाहर था, लेकिन इसकी वजह क्या थी कि ICAP की जो टेस्टिंग है उसका लेवल अचानक से इंक्रीज़ करना, ये था, या स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड ना होना, ये था, तो ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल थी। एक्चुअली कॉर्पोरेट लॉज का पेपर जब तक ओपन बुक नहीं था तब तक एक आसान पेपर तसव्वुर होता था, और याद करके जानी होती थी, आप कुछ एक सर्टन टाइप ऑफ टॉपिक्स कर लेते थे तो आप पास हो जाते थे, पहली अटैम्प्ट में नहीं तो दूसरी में, दूसरी नहीं तो तीसरी में आप पास हो जाते थे। अगर आपने उतना कर लिया था तो आप पास हो सकते थे, क्योंकि उसकी एक ज़ाहिर ग्रिड है, ग्रिड में से पेपर आना है, पहली में नहीं आएगा दूसरी में, दूसरी में नहीं तो तीसरी अटैम्प्ट में तो लाजमी निकल जाता था वो पेपर, कभी इसने तंग नहीं किया था लोगों को। जब उन्होंने ओपन बुक पेपर अब इसको किया है तो अब उन्होंने इसका मिजाज तब्दील कर दिया है। मिजाज तब्दील करने का मतलब ये कि अब वो कहते हैं कि इसकी उतनी तैयारी करके आओ जितनी कि आप WFR की करते हो, उतनी ही तैयारी करके आना जितनी कि BFD की करते हो, उतनी ही तैयारी करके आना जितनी एडवांस टैक्स की करते हो। इसको कोई आसान पेपर समझ के पास अंग्रेज़ी पढ़ेंगे और निकल जाएंगे, ऐसे नहीं करना। अब जाहिर है उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज की है, आप लोगों को भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने के लिए कहा है, तो कहीं ना कहीं मिक्स एंड मैच होगा, कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस राइट साइज होंगी थोड़ी सी, कुछ आपकी तैयारी थोड़ी सी बढ़ेगी, तो फिर ये कहीं एक विनिंग सिचुएशन बनेगी आप लोगों के लिए। जो पहला पेपर इसका था वो एक ऑब्वियस पेपर था कि ओपन बुक में कॉर्पोरेट लॉ में ये चीज़ें आएंगी। दूसरा पेपर ज़रा ज़्यादा स्ट्रेंज पेपर था, थोड़े से ऐसी चीज़ें उसने पूछी थी जो ज़रा स्ट्रेच करके पूछा था, ऑल्दो वो भी सारे का सारा है सिलेबस के अंदर से ही था, सिलेबस के अंदर से ही था, ऐसा नहीं था कि सिलेबस के बाहर से हो, और ऐसा भी नहीं था कि वो हल नहीं हो सकता हो, हल भी होगा, उसमें से लोग पास भी होंगे, उसमें से अच्छी तादाद पास भी हो जाएगी लोगों की, बट स्टिल देर विल बी पीपल जिनको दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी, जाहिर है, क्योंकि उन्होंने उस लेवल पे पहले तैयार नहीं किया हुआ था। हम लैग कहाँ पर करते हैं, हमने करना क्या है, इसके बारे में हमने आज बात करनी है। हमने एक्चुअली CAF 3 में कंपनीज़ एक्ट का कुछ पोर्शन पढ़ा होता है और सिक्योरिटीज़ एक्ट का कुछ पोर्शन पढ़ा होता है, यहाँ तक जब हम आते हैं तो हमने वहाँ पे डायरेक्टर्स के बारे में, ऑडिटर्स के बारे में जनरल अंडरस्टैंडिंग ली हुई होती है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे होते हैं, मीटिंग्स वगैरह के बारे में भी हमें बेसिक बातें पता होती हैं। यहाँ पर जब वो आता है तो वो आपसे कहता है कि वो लेवल तो आपका था, वहाँ पर 50 नंबरों का पेपर था, समझ आ गई आपको, उतनी हद तक काफ़ी था, लेकिन यहाँ पे मुझे आपसे चाहिए कि आप आइडेंटिफाई करें, एवेलुएट करें, एनालाइज करें डिफरेंट सिचुएशंस को जो अराइज होती हैं इन परफॉर्मेंस ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटीज़ विद रेफरेंस टू एप्लीकेबल कॉर्पोरेट लॉज, और आप सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस परफॉर्म करने के काबिल भी हों, और आप वर्किंग नॉलेज बता सकें फॉर्मेशन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का, थोड़ा बहुत वर्किंग नॉलेज, इन डेप्थ, हाईली इन डेप्थ नॉलेज नहीं, वर्किंग नॉलेज की बात वो कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई, एवेलुएट एंड एनालाइज डिफरेंट सिचुएशंस अराइजिंग इन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोफेशनल ड्यूटीज विद रेलेवेंट टू एप्लीकेबल कॉर्पोरेट लॉज, वो कौन सी प्रोफेशनल होते हैं सिनेरियोज
डिफरेंट सिचुएशंस कौन सी अराइज होती हैं जहाँ पर एप्लीकेबल प्रोफेशनल लॉज आपको देखने पड़ते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सी होती हैं। आपके पास, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आपके पास एक आ जाता है क्लाइंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आपसे आके कहता है कि मैंने आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है आपकी फर्म को, और मैं एग्जिस्टिंग ऑडिटर को रिज़ाइन करने का कह रहा हूँ, वो रिज़ाइन नहीं कर रहा, आपको मैंने उसकी जगह अपॉइंट करना है, मुझे बताएं मैं उससे जान कैसे छुड़वाऊँ और आपको कैसे अपॉइंट करूँ। ये एक सिचुएशन आ गई ना आपके सामने। अब इसमें एप्लीकेबल लॉ कौन सा होगा? एप्लीकेबल लॉ होगा कंपनीज एक्ट के, उसमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ गाइडलाइन दी हुई है। उसमें बताया हुआ है कि अगर एक ऑडिटर रिज़ाइन ना करे और मैनेजमेंट ना चाहती हो कि उससे काम करवाएं, तो फिर लॉ ये कहता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो आपके जहन में फ़ौरन ये सिचुएशन का हल आ गया कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसको रिमूव कर सकते हो। साथ ही आपके जहन में ये बात भी आती है कि जब मैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसको रिमूव करूँगा तो मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन को तो एज ए स्पेशल बिजनेस कैरी आउट करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन जो ऑडिटर को रिमूव करना है, ये कोई ऑर्डिनरी बिजनेस तो नहीं है, ये तो स्पेशल बिजनेस है। तो जब ये स्पेशल बिजनेस है तो स्पेशल बिजनेस के लिए तो स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स बनती है। उस स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स में हम क्या लिखेंगे अपने मेंबर्स के लिए कि हम ऑडिटर को क्यों रिमूव कर रहे हैं? उसके लिए हमारे पास कोई लॉजिकल रीज़न होनी चाहिए कि हम उसको रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद आप वो उसके बारे में बात करेंगे क्लाइंट के साथ, ये एक सिचुएशन है आपके सामने। फिर आप जब ये बात आपने कर ली तो फिर उसके बाद आपके जहन में आएगा कि क्या उस ऑडिटर को निकालने के बाद हर सूरत में मुझे अपॉइंट किया जा सकता है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और अथॉरिटी ने बताना हो कि आपका एक ऑडिटर को निकाल के अपने मनपसंद ऑडिटर को नहीं लगा सकते? देखना पड़ेगा। तो वो देख दो कि हमें ये पता चलता है कि हाँ, लॉ में है एक ऐसी बात कि अगर आपने एक ऑडिटर को निकाल दिया और उसकी जगह नया लगाना है तो फिर आपने कोई तीन नाम प्रपोज करने हैं SCCP को कि इनमें से किसी एक को अपॉइंट कर दें। फिर आपके जहन में ये बात आती है कि मैं इसका ऑडिट एक्सेप्ट करूँगा, तो मैं इसका ऑडिट एक्सेप्ट कैसे करूँगा? मुझे इसके लिए क्या वो चाहिए होगा, मैंडेट क्या चाहिए होगा? हाउ ये ऑडिटर एक्सेप्ट कैसे किया जाएगा कि मैं पिछले ऑडिटर की फ़ीस है कम फीस पे तो ले नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है कि आप अंडर कटिंग नहीं कर सकते। ये कंपनीज एक्ट में तो नहीं लिखा हुआ, ये मेरे कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है कि आप अंडर कटिंग नहीं कर सकते। तो ये भी एक मेरे लिए चीज़ देखने वाली है। फिर मुझे ये भी देखना है कि क्या वो जो प्रीवियस ऑडिटर था, वो जो जिसको निकाला गया है, मैं उससे ये भी पूछने मेरा फ़र्ज बनता है कि क्या भाई तुमने तो कोई प्रोफेशनल रीज़न पता है जिसकी वजह से मुझे ये ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? तो ये मेरे कंपनी लॉ में तो नहीं लिखा हुआ, ये कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है। फिर ये कि ये पता चला कि ये तो लिस्टेड कंपनी है, तो क्या मेरी फर्म जो है ये लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने के लिए QCR रेटिंग रखती भी है या नहीं रखती? अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये तो कंपनीज एक्ट में लिखा है, तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लिखा हुआ है कि मेरे पास QCR सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। फिर मेरे पास ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए, ये ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड के जो रेगुलेशन है उसमें लिखा हुआ है। तो एक सिचुएशन है छोटी सी, इसके अंदर कितने लॉ एप्लीकेबल हो गए? वेरियस लॉज एप्लीकेबल हो गए इस बात के ऊपर। एक सिचुएशन थी कि ऑडिटर को निकाल के उसकी जगह नया ऑडिटर लगाना है, कितने डिफरेंट लॉज उसमें एप्लीकेबल हो गए, हालांकि ये तो एक छोटी सी सिचुएशन थी। कई इस तरह की सिचुएशंस आपके लाइफ में डेली बेसिस पे, आपकी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल लाइफ में डेली बेसिस पे इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं। इन्हीं चीज़ों का हल वो चाहता है कि जब आप कॉर्पोरेट लॉ का पेपर पास करें तो आप, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ का पेपर पास कर चुके हो तो कॉर्पोरेट लॉ की हद तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो इसलिए कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर आपकी कमांड इस तरह की होनी चाहिए कि आपको पता हो कि ये कैसे होना है। कंपनी का इरादा बन गया कि हमने डिस्काउंट पर शेयर इशू करने हैं और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को करने हैं, आपसे चीफ एग्जीक्यूटिव ने बुला के पूछ लिया कि हमें फंडिंग की ज़रूरत है, डिस्काउंट पर शेयर इशू करने हैं, कैसे होगा? अब आपके जहन में फौरी तौर पर आना चाहिए कि अगर शेयर इशू करने हैं तो ये डायरेक्टर्स की पावर है, ये तो लॉ में लिखा हुआ है। डिस्काउंट पर इशू करने हैं तो मेंबर्स की स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगी, ये भी लॉ में लिखा हुआ है। स्पेशल रेजोल्यूशन है तो स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट चाहिए होगी। और ये सारी बातें करने के बाद आपके जहन में फिर ये होगा कि लॉ क्या कहते हैं, क्या हम डिस्काउंट पर इशू कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते? ऐसा तो नहीं कि हम डिस्काउंट पर इशू कर ही नहीं सकते हो शेयर्स, उसकी भी तो कोई इंटाइटलमेंट होगी ना, हर कंपनी तो डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती होगी, ये भी कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। फिर हमें किसी से अप्रूवल तो नहीं लेनी पड़ेगी SCCP वगैरह से,
मेरे जहन में ये सारे सवाल आएंगे। तो ये सिचुएशंस हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस जहाँ पर वो चाहता है कि जब आप कॉर्पोरेट लॉ का पेपर दें तो आपके आपको इन सिचुएशंस को हैंडल करना आता हो, ये एंड आप इनको आइडेंटिफाई कर सकें, एवेलुएट कर सकें, एनालाइज कर सकें। आपके पास बड़े बड़े डिफरेंट सिनेरियोज लोग लेकर आ जाएंगे, आपके पास लोग आ जाएंगे कि जी मेरे पास ना कंपनी के 51% शेयर्स हैं, दूसरी पार्टी के पास ना 49% शेयर्स हैं। अभी CEO उनका है, 3 डायरेक्टर मेरे हैं, 2 डायरेक्टर उनके हैं, CEO उनका है, लेकिन मैंने CEO चेंज करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो आपको फौरी तौर पर पता होना चाहिए कि अगर CEO चेंज करना है तो फिर या तो 3/4 मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स होती है या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन होती है, इन दोनों में से ये कौन सी कर सकता है खुद से? वो कहता नहीं, वो तो नहीं मान रहे, वो तो कहते हैं कि होगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, हम तो नहीं आपकी आपकी फेवर में वोट देंगे, हम तो अपना CEO ही रिटेन करना चाहेंगे आपको। फिर आप ये बताएंगे कि अच्छा जी कॉर्पोरेट में तो इसका फिर कोई हल नहीं है, आपको वेट ही करना पड़ेगा उसके चले जाने का, या फिर कोई और डिफेक्ट निकाल लें उसकी अपॉइंटमेंट में कि उसकी अपॉइंटमेंट ही डिफेक्टिव थी। इस तरह की सिचुएशंस आपको आती हैं और एग्जामिनर भी इस तरह की सिचुएशंस बना बना के आपको दे देते हैं कि आप ये सिचुएशन का आप हल बताओ। पिछले पेपर में जो पहला और दूसरा क्वेश्चन था उसमें उसने इसी तरह की चीज़ें जो बड़ी अनकॉमन हैं वो बना बना के पूछी हैं। अनकॉमन इस तरह से कि एक तो कॉमन चीज़ है, जब भी काम कर रहे हैं कोई भी बंदा तो उसको ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है। कुछ अनकॉमन चीज़ें होती हैं जो कि कभी कभार किसी के सामने आती हैं जब वो एक्चुअली काम कर रहा होता है, तो यहाँ पर भी उसके सामने अनकॉमन चीज़ आई तो उसने उसको उठा के पेपर में डाल दिया। उसने फॉर एग्ज़ाम्पल बताया कि डायरेक्टर कैसे रिमूव हो जाएंगे, डायरेक्टर क्यों रिमूव हो जाएंगे, ये बातें, या शेयर क्यों ट्रांसफ़र नहीं हो सकेंगे, ये बातें रूटीन में नहीं आ रही होती, ये उसने सिर्फ आपको अनकॉमन चीज़ें ही बताई। अच्छा, अब उसके बाद अगली चीज़ उसने लिखी है, एक तो ये कि आप सिचुएशन को एनालाइज करके और अपनी जो परफॉर्मेंस प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म कर सकें, यह ना हो कि आपको पता ही ना हो कि मैंने जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है तो फॉर्म 26 भी जाना है, या ये कि उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा, कि आप शर्मिंदा ही ना करवा दें आई कैब को। दूसरी चीज़ उसने साथ ही कही है परफॉर्म सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। आई कैब ने इसके ऊपर एक तरह से ज़िद बांध ली है और इसमें कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में, लर्निंग आउटकम्स में लिखा हुआ है कि आपकी सेक्रेटेरियल परफॉर्मेंस प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए, लिहाजा आपको आनी चाहिए। हालांकि नीचे कहीं पर भी ग्रिड में उसका कोई तذکرہ नहीं है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का। पुराने दौर में ये होता था कि 15 मार्क्स स्पेसिफाइड थे फॉर सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, कि 15 मार्क्स की आनी ही सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ बात 2017 से पहले की टू बी प्रिसाइज। 2017 में इन्होंने मेजर चेंज किया था इसमें, लॉ में, सिलेबस में। तो उस वक्त सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस 15 मार्क्स की आनी ही आनी होती थी। उसमें वो कुछ भी कह सकता था आपसे, स्पेशल रेजोल्यूशन ड्राफ्ट कर दो, नोटिस ड्राफ्ट कर दो, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन दे दी, पूछ लिया कि इसमें क्या लिखना है, काम तो नहीं है कोई चीज़ इसके अंदर, आपको BOD की रिपोर्ट दे दी और उसमें लिख दिया बताओ जी इस रिपोर्ट में कोई कमी बेशी तो नहीं है। आपको फिर लॉ अप्लाई करके बताना पड़ता था कि इसमें कोई कम है या कम नहीं है। अब वो हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसने इस दफ़ा जो अपनी एग्ज़ाम गाइडेंस दी है उसमें ये बात लिख दी है कि आपको सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस परफॉर्म करनी आनी चाहिए अगर आपने लॉ का पेपर पास करना है, तो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस आपको परफॉर्म करनी आनी चाहिए। अब सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस क्या होती हैं, क्या होती हैं भाई राव हाद, क्या होती हैं सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस? होता ये था कि कंपनीज़ SEC जब भी किसी बात पे कंपनीज़ को पकड़ता था तो कंपनी उसके ऊपर जवाब दे देती थी कि वो जी हम तो कारोबारी लोग हैं, हमें क्या पता, वो तो ये तो काम तो डायरेक्टर, ये तो काम तो हमें थोड़ी पता कानून क्या कहते हैं, हम तो सीधा सीधा कारोबार करने वाले लोग हैं। उन्होंने फिर कहा कि अच्छा कुछ कंपनीज़ जो है ना, जो पब्लिक कंपनीज़ हैं ख़ास तौर पर, आप कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करें ताकि कल को आपका ये बहाना ख़त्म हो कि जी हमें तो पता ही नहीं था, पढ़ा लिखा बंदा रखा है ना, अब उसको तो पता है ना, पढ़ा लिखा बंदा क्या करेगा, उसको पता है कि साल में AGM करवानी है एक गिवन टाइम के ऊपर, ये एक सेक्रेटेरियल मैटर है कि AGM करवानी है।
अकाउंट्स का ऑडिट करवाना है, सेक्रेटेरियल मैटर है। आपने जब भी कभी कोई एक डायरेक्टर चला जाएगा लिस्टेड कंपनी में, उसके चले जाने के 90 डेज के अंदर अंदर नया डायरेक्टर अपॉइंट करना है, ये एक सेक्रेटेरियल मैटर है। आपका जब भी कोई एक ऑडिटर AGM आएगी तो ऑडिटर रिटायर हो जाएगा, उसकी जगह पर नया ऑडिटर अपॉइंट होना है या उसी ने रीअपॉइंट होना है, ये एक सेक्रेटेरियल मैटर है। जब भी कभी कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी तो उसका फॉर्म 26 जाना है, ये एक सेक्रेटेरियल मैटर है। आपकी जो एनुअल रिपोर्ट बनेगी लिस्टेड कंपनी में, उसमें पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग फॉर्म 34 जाना है, ये सेक्रेटेरियल मैटर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में सर्टन मिनिमम चीज़ें हैं जो लाजमी लिखी होनी चाहिए, ये एक सेक्रेटेरियल मैटर है, ये पता होना चाहिए आपको। तो वो सेक्रेटेरियल मैटर कंपनी सेक्रेटरी को तो पता होते हैं सारे, वो ये कहता है कि आपको भी पता हो। अब वो आपसे सवाल पूछते हुए ये नहीं कहता कि यू आर स्टूडेंट ऑफ कॉरपोरेट लॉज, वो कहता है यू आर कॉरपोरेट कंसल्टेंट। सवाल में ही लिख देता है आपका एग्जामिनर कि यू आर कॉरपोरेट कंसल्टेंट, सो यू आर सपोज टू गिव एन एडवाइस। तो फील तो आती है एक इंसान को अंदर से कि मैं कॉरपोरेट कंसल्टेंट हूँ, लेकिन वो कॉरपोरेट कंसल्टेंट होने के लिए थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है, कि बताना भी पड़ता है कि हल क्या होगा इस सिचुएशन का। भाई देखो, अभी तो जो है ना आपसे कॉरपोरेट कंसल्टेंट वो कह के, तो जो वहाँ हल करवा रहे उसकी फ़ीस नहीं है, उसकी फ़ीस नहीं है, उसका सिर्फ पेपर पास कर देगा आपको अगर आपने सही एडवाइस दे दी। लेकिन यही चीज़ जब प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे आप, तो क्या मुफ्त में करोगे? आप तो फीस मांगोगे ना, फीस मिलेगी। तो जज्बा होना चाहिए ना सीखने का, कि एक काम है जो मैं सीख के फीस ले सकता हूँ, तो फिर मुझे सीखना चाहिए। अब उसने आपसे सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस परफॉर्म करवानी है, और उसने इस दफ़ा जो नई एग्जामिनेशन गाइडलाइन दी है, अभी हम खोलते हैं उसको, उसमें ये बात लिख दी है कि आपको जनरल सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस परफॉर्म करनी आनी चाहिए। अब मसला ये है कि सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस फॉर्म्स के बगैर अधूरी हैं, कि फॉर्म 1 में क्या जाना है, फॉर्म 2 में क्या जाना है, फॉर्म 3 में क्या जाना है, फॉर्म 4 में क्या जाना है। फॉर्म्स बने हुए हैं, SECP ने बनाए हुए हैं, कंपनीज एक्ट में ही दिए हुए, रूल्स में दिए हुए, जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म रूल्स में दिए हुए। वो रूल्स आपके सिलेबस में नहीं है, लिहाजा डिटेल्ड नॉलेज ऑफ दोज फॉर्म्स भी आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आई वुड प्रेफर रादर कि हम वो फॉर्म्स एक एक दफ़ा देख लें, और आप लोगों को एडवाइस कर दें कि आप ऑडिट अगर कर रहे हैं, तो जब आपने सेक्रेटेरियल कंप्लायंस वाली चेकलिस्ट फिलअप करनी है या उसके डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, तो जो जो कागज़ मिले उसको अच्छी तरह से एक दफ़ा पढ़ लें। उन्होंने फॉर्म 29 आपको दिया, फॉर्म ए दिया, फॉर्म बी दिया गारंटी लिमिटेड के केस में, या उन्होंने आपको जो साल के दौरान में बोर्ड रेजोल्यूशंस पास हुई वो दी, पढ़ें सारी को ओपन जहन के साथ पढ़ें। मिनट्स क्या कह रहे हैं, बोर्ड मीटिंग किस डेट पे हो रही है, इसका नोटिस किस डेट पे गया था, क्या नोटिस के बाद टाइमली मैनर में मीटिंग हुई है, क्या नोटिस में जो चीज़ें लिखी थी वही आ रही हैं मिनट्स में भी या कोई और आ रही हैं, तो आपको सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अगर मैं कहूँ कि मैं सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस आपको सिखा दूँगा 2 महीने में या 4 महीने में, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं ये सीख लूँगा ओवर द टाइम जब तक मेरी अटैम्प्ट आनी है या जब तक मैंने एग्ज़ाम देना है, तो ये हो सकता है। क्योंकि सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस हर सेक्शन के अंदर है, हर वो सेक्शन जिसमें कुछ ना कुछ करना है या किसी न किसी चीज़ से अवॉइड करने के लिए कहा गया है, वहाँ पर सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस है। सबसे पहले सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस कंपनी बनाना है, कंपनी बनाने में मेमोरेंडम तैयार करना, आर्टिकल्स तैयार करना, आर्टिकल्स अडॉप्ट करना, पहले डायरेक्टर अपॉइंट करवाना, सब्सक्रिप्शन का फॉर्म जमा कराना, ये सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस हैं। प्रैक्टिसेस बेतहाशा हैं, अब कौन सी आएगी आपको, कौन सी नहीं आएगी। उसने एक आपसे पिछली दफ़ा पूछी थी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, स्पेशल रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करके दो, पिछले पेपर में पूछी थी, इस पेपर में नहीं पूछी थी, पिछले पेपर में पूछी थी। इस पेपर में जो उसने सवाल पूछा था ना, ये सवाल ये था, एक सवाल आया हुआ था कि आप कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, तो अब आप बताएं कौन कौन सी चीज़ें कब कब करनी होती हैं। मैंने ये क्वेश्चन वैसे 2015 में अपने मॉक में पूछा था, उस वक्त हालांकि ओपन बुक भी नहीं था, मैं सिर्फ आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वक्त से 6 साल आगे था, ठीक है। उस वक्त मैंने ये सवाल पूछा था कि आप एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, तो बताएं कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है और कब कब करनी है, टाइमलाइंस के साथ बताएं। तो वो वही सवाल उसने अब पूछा था, और इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हुए कि हमें क्या पता क्या क्या करना है, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं थी। आप अगर थोड़ा सा किसी कंपनी का एक फॉलो करें सिस्टम,
आपको पता होगा क्या क्या करना है। मैं बताता हूँ, एक मोटी सी बात बताने लगा हूँ, सिर्फ डरा नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूँ। 30 जून हुआ, 30 जून के बाद अब आपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना है। ऑडिट करवाने के बाद आपने ये अकाउंट्स एजीएम में प्रेजेंट करने हैं। एजीएम में प्रेजेंट करने से पहले ये अकाउंट्स आपने बोर्ड मीटिंग से अप्रूव करवाने हैं। बोर्ड मीटिंग से अप्रूव करवाने से पहले आपने ये अकाउंट्स ऑडिटर से इनिशियल करवाने हैं। ऑडिटर इनिशियल करके देगा, बोर्ड मीटिंग में आएंगे, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद ये मेंबर्स को सेंड कर दिए जाएंगे। जब मेंबर्स को सेंड कर दिए जाएंगे तो मेंबर्स 21 दिन बाद आके मीटिंग करेंगे। मीटिंग में मेंबर्स उनको अडॉप्ट कर लेंगे। मीटिंग में ऑडिटर भी अपॉइंट होगा। अगर डायरेक्टर्स का इलेक्शन ड्यू होगा तो वो भी होगा। अगर कोई डिविडेंड अप्रूव हुआ है तो अप्रूव करना तो वो भी करेंगे। मीटिंग के 15 दिनों के अंदर अंदर हमने ये फॉर्म ए फाइल करना है, जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें फॉर्म ए और फॉर्म 29 में ये दोनों चीज़ें हमने बता देनी है कि फ़लाँ फ़लाँ ऑडिटर अपॉइंट हुआ, फ़लाँ फ़लाँ डायरेक्टर चेंज हुआ या जो भी हुआ। और फॉर्म ए में जो उसके कंटेंट्स है वो बता देने, पेड अप कैपिटल इतने और साल के दौरान में इतने चेंज वेंज हुए। मीनवाइल में हम लिस्टेड कंपनी हैं, फर्स्ट क्वार्टर आपका 30 सितंबर पे ख़त्म हो चुका है। 30 सितंबर पे फर्स्ट क्वार्टर ख़त्म हुआ है तो आपने एक महीने के अंदर अंदर उसके क्वार्टरली अकाउंट्स अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने हैं अनऑडिटेड। लेकिन ये एक सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है कि ये करना था। अगर 31 अक्टूबर गुजर गया और आपने नहीं किया तो नॉन कंप्लायंस हो गई, ठीक है। अब आपने और कुछ नहीं करना। अब हो सकता है साल के दौरान में कोई और बात ना ही आए, तो जब 31 दिसंबर आएगा तो उसके बाद अब आपने अपने अकाउंट्स का जो हाफ ईयर के अकाउंट्स हैं उसका रिव्यू करवाना है, और रिव्यूड अकाउंट्स आपने 28 फरवरी तक देने हैं, अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने हैं। यही सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस हैं, यही चीज़ें होती हैं। तो फिर आपकी जब एजीएम हो जाए, ये तो होती है कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट थी, जब एजीएम हो जाए तो उसके 60 दिनों के अंदर अंदर उसके मिनट्स स्टॉक एक्सचेंज को देने हैं। ये रिक्वायरमेंट स्टॉक एक्सचेंज ने लगाई हुई है। तो आपको एक वक्त में 4-5 वेरियस लॉज की नॉलेज नो हो अपने पास रखनी पड़ती है कि ये कुछ होता है। मुश्किल बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से जहन में रहती है। मैं इसमें कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों का एक सेशन ऐसे लोगों के साथ करवा दूँ जो रूटीन में ये काम करते हैं। मतलब किसी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कंपनी सेक्रेटरी के रोल में हैं, तो मैं उनमें से किसी एक को इनवाइट करके आप लोगों के साथ ये सेशन करवा दूँ कि वो कब कब क्या क्या काम करते होते हैं, ताकि ज़रा एक वो भी आपको अंदाज़ा हो जाए। स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशंस लिस्टेड कंपनी के लिए रेलेवेंट बहुत होते हैं। फिर अगर आप NBFC भी हैं, लिस्टेड कंपनी भी हैं, तो फिर तो 4-5 डायमेंशन से आपके ऊपर रेगुलेशंस आ रहे होंगे ना। NBFC रेगुलेशंस अलग आ रहे होंगे, NBFC रूल्स अलग आ रहे होंगे, स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशंस अलग आ रहे होंगे, फिर आपका कंपनीज एक्ट अलग आ रहा होगा, कंपनीज ऑर्डिनेंस अलग आ रहा होगा। तो डिफरेंट लॉज, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 रिपील्ड है, लेकिन दैट पार्ट ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 विच रिलेट्स टू द NBFCs वो अभी तक रिटेन किया हुआ है, ठीक है। तो वो आपको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ऐसी आएंगी। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए हम करेंगे अभी कुछ चीज़ें, कल ही हम करेंगे, बल्कि हम कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ चीज़ें जहाँ से थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया होना शुरू होगा कि हम ये चीज़ें कैसे करते हैं। फिर वो कहते हैं जी, डिमॉन्स्ट्रेट वर्किंग नॉलेज ऑफ मीनिंग फॉर्मेशन एंड वर्किंग ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एरिया है पूरा NBFCs का, लीजिंग कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, उनके रेगुलेशन है हमारे सिलेबस में। डिमॉन्स्ट्रेट अवेयरनेस ऑफ लीगल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। इसमें से क्वेश्चन इस दफ़ा आया हुआ था, कंपनीज एक्ट का पार्ट है। अदर लॉज और रेगुलेशन रिलेटिंग टू बैंकिंग, इंश्योरेंस, इशू ऑफ कैपिटल, लिस्टिंग, मुदारबा, कंपटीशन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज, और रिकग्नाइज एथिकल एंड प्रोफेशनल इशूज एंड एक्ट अप्रोप्रिएटली। अब ये कि ये वाला जो एरिया है ना, इसमें से अभी तक सवाल नहीं आया, प्रोफेशनल इश्यूज एंड एथिक्स में से लॉ के पेपर में सवाल नहीं आया। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसका उन्होंने पार्ट बनाया हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। अदरवाइज एथिक्स का कोई सवाल कॉर्पोरेट लॉ में कभी नहीं पूछा गया, पता कोई नहीं है, कल को पूछा भी जा सकते हैं। और कुछ नहीं मिला तो ओपन एंड सवाल यहाँ से एक पूछ लिया। इसके लिए तो कोई आप कैरी भी नहीं कर सकते ना साथ में। उन्होंने कहा हुआ है कि आप अगर लॉ का पेपर देने के लिए आना चाहते हैं तो कोई सी 3 किताबें
बल्कि नंबर ऑफ़ बुक्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, आप बेयर लॉ सारे ले आए जितने मर्जी ले आए, बेयर लॉ की किताब होनी चाहिए आपको, बेयर लॉ एक किताब में मिल जाते हैं सारे, एक किताब ले आए, दस में मिलते हैं दस ले आए। लेकिन ये जो एथिक्स है ये तो किसी किताब में नहीं लिखे हुए ना, इसके लिए कौन सी किताब हम साथ लेके जाएंगे? तो ये हमें जनरली तैयार करने पड़ेंगे, इसकी एक दो किताबों से हम रीडिंग्स करेंगे। कुछ सिचुएशंस की रीडिंग हम वैसे ही किसी दिन आपके साथ कर लिया करेंगे जब बोर होंगे या जब आपकी हम देखेंगे तबीयत उस तरफ माइल है। ये तो है इसकी लर्निंग आउटकम्स जो उन्होंने कहे हुए हैं कि आपने करने हैं, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ना आपने बाद में कभी देखने हैं और ना आपने बाद में कभी गौर करना है, ना खुद से पहले कभी पढ़े होंगे। सोच रहा हूँ आपको पढ़ा दूँ आज। फिर उन्होंने कहा भाई ये आपका एक वो है सिलेबस, कंपनीज एक्ट सेक्शन 1 से 275 तक रेलिवेंट रूल, 30 से 40 नंबरों के NBFCs हैं, वाइंडिंग अप है और कॉम्प्रोमाइजेज, ये भी कंपनीज एक्ट वगैरह हैं, 15 से 25 नंबरों के, अदर लॉज 40 से 50 नंबरों के। होना ये चाहिए असूली तौर पर कि ये अदर लॉज जो हैं इनकी तादाद को कुछ कम किया जाए और इसका फिर सिमिलरली ये भी कम किया जाए जो इसका वॉल्यूम है। लेकिन अब 40 to 50 मार्क्स उन्होंने कहे हैं सो ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं। ये आपका सिलेबस है, प्रोफिशिएंसी लेवल 3 ज़्यादातर जगहों पर आपसे वो डिमांड कर रहे हैं। प्रोफिशिएंसी लेवल 3 का मतलब है अखीर लेवल, आखिरी लेवल, कि आपको इसकी सब चीज़ें समझ आ गई हैं, एक एक चीज़ पता चल गई है। कल आपने पेपर अटैम्प्ट किया है तो कल आपसे कोई पूछे डिबेंचर कैसे इशू होने हैं तो आप उसको फ़ौरन से डिबेंचर की ट्रस्ट डीड भी बना के दे दें कैसे इशू होने हैं डिबेंचर्स। कल आपसे कोई पूछे कि मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं कन्वर्टेबल कैसे कन्वर्ट होने हैं, आप उसको बता सकेंगे भाई ऐसे होने हैं। फिर जब हम उनसे कहते हैं कि ये तो किताबें कानून पढ़ के देखनी पड़ेंगी, वो कहते हैं इसलिए तो आपसे कहा है कानून साथ ले आओ, कानून साथ ले आओ, हमने कौन सा रिस्ट्रिक्शन लगाई है। जिस तरह का पेपर इस अटैम्प्ट का था, रिसेंट अटैम्प्ट का, उसके लिए कोई थोड़ा टाइम ज़्यादा होना चाहिए कि किताब से देखने में भी तो वक्त लगता है, 4 घंटे 4.5 घंटे इतना को दे दें। लेकिन बहरहाल उन्होंने नहीं देना। याद करना इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में भी। जो दोस्त आपसे कहें कि आप याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो ओपन बुक है, जब भी दिल करे बुक खोल लेना, मुझे ये बताओ एग्ज़ाम में कितनी दफ़ा बुक खोलोगे? एग्ज़ाम में बुक खोलने का वक्त नहीं होता, एग्ज़ाम में या तो लिखने का वक्त होता है या फिर बुक खोलने का, लिखते लिखते ही पेपर ख़त्म हो जाता है, बुक कहाँ खोलेंगे आप? बुक तो कभी रेफ़र कर सकते हैं सिर्फ, कि जहाँ छोटी मोटी कन्फ्यूजन हो ना कि पता नहीं 21 दिन थे या पता नहीं 31 दिन थे, चलो खोल के देख लेता हूँ फ़ौरन, या ये कि पता नहीं मेरे जहन में जो चल रहा है वो रेलिवेंट सेक्शन में ये बात लिखी भी हुई है कि नहीं लिखी हुई, ज़रा सा बस ऐसे खोल के झलक करानी है ज़रा सी, पढ़ा तो वही है बस ठीक है, बाकी लिखना खुद है। अगर कोई होगा मैं इस तरफ लिख कर देखूँगा और फिर ऐसे ऐसे लिखूँगा तो वो तो फिर लिखा था ना, उसे तो नहीं होना। ये पुराने ज़माने में दाल अलग लुक जाया करते थे इस तरह के, मिसाल के तौर पर मेरे जैसे लोगों के, कि जब पहली दफ़ा ऑडिट का पेपर ओपन बुक हुआ, ऑडिट का पेपर ज़िंदगी में पहली दफ़ा ओपन बुक हुआ था दिसंबर 2007 में, काइंड ऑफ तभी हुआ था, मेरी वो अटेम्प्ट थी, तो हमने खोला और हमने छाप दिया क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें थी ऐसी कि जो छापी जा सकती थी, वहाँ से देख के लिखी जा सकती थी, हमने देख के लिख ली, थोड़ा बहुत नॉलेज अपना था, थोड़ा देख के हेल्प हो गई, 3-4 सवालों में हो गई, पेपर पास हो गया। आप ज़रा ना हालात वो नहीं रहे आपके लिए, वो जो कंपैरेटिव डिसएडवांटेज ऑफ कमिंग टू द वर्ल्ड लेट है वो चल रहा है आपके साथ साथ, आपके बाद आने वालों के लिए और चैलेंज होगा। इसलिए ये चैलेंजेस तो सबके साथ होते हैं ना यार, इसको नाइंसाफी पे आपने नहीं करना वो कि ये नाइंसाफी हुई है। आपसे पुरानी जो जनरेशन थी, एक दो जनरेशन हमसे पुरानी जो थी, उनको कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, वो दुनिया में कहीं भी सेटल हो सकते थे। अब आपको पासपोर्ट के लिए पूरी पूरी ज़िंदगी लोग अपनी गारत कर लेते हैं, तो डिसएडवांटेज चलते रहते हैं अपने अपने साथ साथ। कंपनीज एक्ट मास्टर लेवल चाहिए हमें, पोस्टल बैलेट रेगुलेशंस ठीक ठाक लेवल चाहिए इसमें भी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड शेड्यूल अच्छा खासा लेवल थ्री चाहिए हमें, बायबैक रेगुलेशन लेवल 3, कंट्रीब्यूटरी इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन लेवल 3, कंट्रीब्यूटरी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनीज लेवल 3, फर्दर इशू रेगुलेशन लेवल 3, और ये इंशाल्लाह लेवल 3 का पढ़ेंगे आप लोग, आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, आपसे इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी।
इसमें परेशानी नहीं लेनी। कंपनीज ऑर्डिनेंस ये हैं, एनबीएफसी से रिलेटेड सेक्शन हैं, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, वैसे तो सारा रिपील हो चुका है, एनबीएफसी से रिलेटेड ये सेक्शन 282A से लेकर 282M तक जिंदा हैं अभी। एनबीएफसी एस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन रूल 2003 और रूल 1-7 तक हैं, और ये रेगुलेशन इसमें से चुने हुए रेगुलेशन हैं, ये सिलेबस में शामिल हैं। तो ये ना बड़े ध्यान से देखना है, कई लोग ना इसमें अभी बिला वजह चीज़ें शामिल कर लेते हैं। रेगुलेशन 25 है, जैसे 25 तो सिलेबस में है, 25A और 25B वगैरह नहीं है सिलेबस में, बिला वजह कोई इसको शामिल करता फिर कि ये भी सिलेबस का हिस्सा है, वो नहीं है। कुछ लोग कर लेते हैं खुद ही अपनी मर्जी से, आपने नहीं करने। और फिर ये कंपनीज ऑर्डिनेंस के कुछ सेक्शन हैं, सॉरी कंपनीज एक्ट के, और ये वाइंडिंग अप के सेक्शन, वाइंडिंग अप का पूरा एरिया है। तो हालांकि उसने कहा हुआ वाइंडिंग अप में से लेवल 2 की आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लेकिन जो पिछली से ये अभी रिसेंट से पिछली अटैम्प्ट में जो वाइंडिंग अप का क्वेश्चन था वो एक खौफनाक क्वेश्चन था, और उसमें लॉ से ज़्यादा आपका बैंकिंग मैटर्स का नॉलेज ज़्यादा चाहिए था आपको, कि जब आप कोई लोन लेते हैं तो लोन के लिए क्या होता है, फर्स्ट हाइपोथिकेशन, सेकंड हाइपोथिकेशन, या पारी पासु चार्ज, या फर्स्ट मॉर्टगेज क्या होता है, पता है आपको क्या होता है? ऑडिट करते हो आप लोग? ऑडिट करते हो? तुम नहीं करते, क्या करते हो तुम? टैक्स करते हो? बेसिकली जब आप ऑडिट करें तो दो अप्रोचेस हैं आपके पास। एक अप्रोच है कि लास्ट टाइम जो फाइल बनी थी वो फाइल बनानी है, उसमें लिखना क्या है या उसकी लॉजिक क्या है या कौन सा कागज़ लगना है कौन सा नहीं लगना है उसको छोड़ दें आप, और बस आप धड़ाधड़ फाइल बना दें। मैं ऐसे ऑडिट करता था, आप भी ऐसे ऑडिट करते हैं, अब आपने आइंदा से ऐसे ऑडिट नहीं करना। आपने ऑडिट जब करना है तो आपने कागज़ पढ़ने हैं, जो कागज़ आपके सामने आएगा आपने पढ़ना है, आपने देखना है इस कागज़ की सिग्निफिकेंस क्या है, आपने ये भी देखना है ये कागज़ अगर फाइल में ना भी लगा हो तो क्या फाइल का मेकअप कम रह जाता है, या ये कागज़ का कोई अल्टरनेटिव भी हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि थद्दा भर के कागज़ों का लगाने के बजाय बात एक ही कागज़ में समेटी जा सकती हो। वहाँ जब आप जाएंगे ना तो जब आप बैंकों की फाइनेंसिंग का वो पोर्शन आएगा आपके सामने, तो आप जब ऑडिट करते हुए फाइनेंसिंग का पोर्शन आपके सामने आएगा तो आप ये करते हैं नॉर्मली कि उनसे लेते हैं अपना एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट, फैसिलिटी लेटर वगैरह, उसमें मोटी मोटी बातें हाईलाइट करते हैं और हाईलाइट करके फाइल में लगा देते हैं, आगे मैनेजर जाने, पार्टनर जाने, उनका काम जाने, करते हो ना ऐसे? ये नहीं करना आइंदा से। जब आपके सामने एग्रीमेंट आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लग जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा, उस एग्रीमेंट को पढ़ना है, स्किम करना है उसमें से। वहाँ लिखा होगा फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, पारी पासु चार्ज, हाइपोथिकेशन, या हाइपोथिकेशन की फिर डिटेल्स लिखी होंगी, किस टाइम पे आप अपना मॉर्टगेज वापस कर सकते हैं, फिर ये लिखा होगा कि मॉर्टगेज किसका जिम्मेदारी है, कब आप इसकी रिलैक्सेशन ले सकते हैं, वो सारी बातें लिखी होंगी। पढ़ेंगे तो आपके इल्म में इजाफा होगा, ना सिर्फ इल्म में इजाफा होगा बल्कि वो इल्म का इजाफा कॉर्पोरेट लॉ के पेपर में आपके काम भी आएगा, ठीक है? अगर आप ऑडिट नहीं करते तो भी कोई मसला नहीं है, आपने वैसे ही आपको फाइनेंसिंग एग्रीमेंट मिल जाएंगे, फाइनेंसिंग एग्रीमेंट्स आपको मिल जाएंगे, आपकी ऑडिट फाइल्स में से मिल जाएंगे, पिछले साल की ऑडिट फाइल्स में से मिल जाएंगे, जो आप लोगों की फॉर्म में रिकॉर्ड में पड़ी होंगी वहाँ से मिल जाएंगे, वहाँ से नहीं भी मिलेंगे तो ऑडिट वालों से कह दीजिएगा जहाँ ऑडिट कर रहे हो उसकी कॉपी भेज देना मुझे, आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। और वो वाइंडिंग अप में काम आ रही थी, वो चीज़ें उस सवाल में काम आ रही थी, उस सवाल में ये नॉलेज काम आ रहा था। तो वाइंडिंग अप में वैसे तो मेजरली थ्योरेटिकल एरियाज हैं, लेकिन जाहिर है सिनेरियो तो कहीं से भी बनाया जा सकते हैं। सिक्योरिटीज़ एक्ट है, कंपनीज ये अदर लॉज का पोर्शन शुरू हो गया जो 40 से 50 वाला है, 40 से 50 नंबरों का। सिक्योरिटीज़ एक्ट में दो तीन चीज़ें आती हैं, सब्सटेंशियल एक्विजिशन भी इसमें आती है, इसमें लिस्टिंग ऑफ कंपनीज के बारे में भी आता है। कहा हुआ लेवल 2 है, लेकिन लेवल 2 और लेवल 3 में मैं समझता हूँ कि हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना, हमने हर चीज़ को ऐसे ही करना है कि जैसे हमने उसमें मास्टर लेवल हासिल करना है, सिवाय चंद एक चीज़ों के। स्टॉक एक्सचेंज की रूल्स बुक है, अच्छा ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते कोई रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू प्रॉस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट ऑफ इन लियो ऑफ प्रॉस्पेक्टस,
पता नहीं क्या है ये, कभी नहीं देखे ना कभी सुने, आईकैप से पूछा भी था क्या होते हैं। पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस हैं, अच्छे रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं इंसाइडर ट्रेडिंग की, पढ़ेंगे। सेंट्रल डिपॉजिटरी एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ वोटिंग शेयर्स का एक्ट है, एक्ट नहीं है इसके रेगुलेशंस हैं, एक्ट तो सिक्योरिटीज एक्ट ही है इसका, मुदारबाज का है एक्ट और उसके रेगुलेशंस हैं, कंपटीशन है, मुदारबाज ऑर्डिनेंस है, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस है। इस दफ़ा उन्होंने ये किया है कि बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को मिला के एक सवाल पूछ लिया है, जिसने तंग किया इंश्योरेंस को और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को मिला के भी एक सवाल पूछ लिया है, जो कि निस्बतन आसान सवाल थे, काफ़ी आसान थे, लेकिन क्योंकि हमने, हमारे स्टूडेंट्स ने चॉइस पे छोड़ रखे थे, लिहाजा वो मुश्किल का शिकार हुए। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपके साथ, कोर्स बहुत लेंथी है, लेकिन अब करना तो है। फिर आते हैं जी, उस तरफ आते हैं। तो उसने क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, जो जो पूछा हुआ क्वेश्चन था वो इस तरह का था, बेसिकली बैंक्स की एक ड्यूटी लगाई है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ में कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस आपने रिपोर्ट करनी होती हैं, जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है वो आपने रिपोर्ट करनी है एसटीआर। उस एसटीआर वाली रिक्वायरमेंट को उसने बैंकिंग कंपनीज की ड्यूटीज़ के साथ मिला दिया कि बैंक का एक अफसर है, उसकी क्या ड्यूटी है ब्रांच के मैनेजर की, उसकी ड्यूटी है कि वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करें। अच्छा, तो फिर ये एथिक्स एज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, और इसमें ना ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये तो पढ़ा जाएगा तफसील के साथ, ये और ये, इसके लिए ना उन्होंने एक बुक रिकमेंड की हुई है, उस बुक के दो चैप्टर्स हैं। आई कैप ने एक दफ़ा रिकमेंड किए थे, आई कैप को शायद खुद भी याद ना हो अब, लेकिन ये कि मुझे याद है, मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें एथिक्स एज ए ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस को डील करना, और वो सारा कुछ उन्होंने तय किया हुआ है उसके अंदर। अब सिलेबस है लेंथी, बहुत लेंथी, तो हमें दो चीज़ें करनी है, एक तो ये कि हमने छोड़ना कुछ नहीं है, और रीडिंग जो है ना वो तो हमने सारे सिलेबस की करनी है। और फिर हमारा जो मोर फोकस है, जो बहुत ज़्यादा फोकस हमारा होना चाहिए, वो किसके ऊपर होना चाहिए? प्रैक्टिकल एरियाज़ के ऊपर। प्रैक्टिकल एरियाज़ कैसे आइडेंटिफाई होंगे? मैं हेल्प करूँगा आपकी प्रैक्टिकल एरियाज़ आइडेंटिफाई करने में। सो मच सो कि मैं आपसे कहूँगा कि कंपनीज़ एक्ट और कंपनीज़ एक्ट के तहत बने हुए जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो सारे के सारे ही प्रैक्टिकल एरियाज़ हैं। उनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो प्रैक्टिकल ना हो। कंपनीज़ एक्ट में चाहे शेयर्स इशू करने हों, चाहे मीटिंग्स करवानी हों, चाहे डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हों, चाहे ऑडिटर्स अपॉइंट करने हों, ईच एंड एवरी थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उसमें से कुछ भी नहीं हमने छोड़ना। फिर नंबर टू पे जो दूसरा एरिया 15 से 25 नंबरों का हमारा वाइंडिंग अप का, वो भी खैर कंपनीज एक्ट में कवर हो जाता है, प्लस NBFCs, इसको भी हमने पूरी फोकस इसके ऊपर रखना है, इसमें से कुछ ना छूटे। मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। रिसेंट अटेम्प्ट में जो एक चीज़ आई, तो उसमें कुछ बच्चों ने कहा जी कि हमने ना वो आखिरी जो सवाल आए थे ना, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक को मिला दिया था, उसमें से हम सिर्फ 6 नंबर का सवाल कर पाए, 10 का नहीं कर पाए। 16 नंबरों के सवाल थे, तो 6 का कर पाए, 10 का नहीं कर पाए। वो क्योंकि आपने कहा था कि इसको थोड़ा सा रिलैक्स करके पढ़ लेना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो तो खैर ही, अगर नहीं कर पाए, 90 नंबरों का पेपर तो करके आए हो ना, बाकी 90 में से तो नहीं कुछ छुड़वाया था, 90 में से तो नहीं कुछ कहा था कि छोड़ देना। कहते जी उसमें से कुछ कुछ फिर गलतियाँ हुई हैं। अब जाहिर है कि एक चीज़ आपसे कही है कि ये पूरी करनी है, तो इसका मतलब है वो पूरी करनी है, पूरी करवाई है आपको, उसमें से तो कुछ नहीं छुड़वाया हुआ। तो फिर आप ज़रा जो किया उसके ऊपर तो पक्के हों, तो अगर जो किया उसके ऊपर पक्के हैं तो फिर आप पास हो जाएंगे। सब मुझे याद है कि उस वक्त ना मॉड्यूल बी होता था, IT का पेपर था, 30 मार्क्स का पेपर जो था ना, वो आता था CCPT से रिलेटेड प्रैक्टिकल। तो उस वक्त ICAP के पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो कंप्यूटर पर सबसे पेपर ले सकता, उतने पेपर भी नहीं, उतने कंप्यूटर भी नहीं होते थे, 2001 की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने ना वो 30 मार्क्स का पेपर भी बीच में ही पूछते थे, एक्सेल के फार्मूले हाथ से लिखने होते थे, एक्सेल का फार्मूला एक्सेल में लिखना कितना मुश्किल है, और वो कहते हैं हाथ से लिखो। तो 25 नंबरों का वो सवाल था, 5 का कुछ और था, अपने दोनों नहीं आते थे हमें, तो दोनों ही गलत,
किया ही नहीं कुछ उसमें, छोड़ दिया उसको। 70 नंबरों का पेपर अटैम्प्ट किया, उसमें से 10 नंबरों का कन्फर्म गलत करके आए, 60 नंबरों का पेपर करके आए, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे कि ये पेपर पास हो जाएगा, क्योंकि 60 नंबरों का जो किया था ना वो पता था कहाँ कहाँ से आया हुआ, क्या क्या आया हुआ और मैं क्या क्या लिख कर आया हूँ। ज़रा बराबर जो उसकी टेंशन हुई है, बस 50 लेने ना पास होने के लिए, तो 50 इसमें से आ जाएंगे, वही हुआ कि 50 आ गए। हाँ अलबत्ता कुछ पेपर ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसान जो है ना कभी श्योर नहीं होता। मैं तो आपको जो कॉर्पोरेट लॉ की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ना पुराने दौर की, वो मेरी अपनी स्ट्रेटजी थी उस दौर की, कि मैंने सारा कॉर्पोरेट लॉ का सिलेबस नहीं किया था अपने लिए, मैंने कुछ पोर्शन किए थे, कुछ छोड़े थे। पहले अटैम्प्ट में उस पोर्शन में से कम सवाल आए तो मैं फेल हो गया। मैं दूसरे अटैम्प्ट में भी इरादा था कि बाकी पोर्शन कर लूँगा, लेकिन नहीं कर सका, फिर उन्हीं को पक्का करके चला गया। अगली दफ़ा फिर उसमें से सवाल नहीं आए और मैं फिर फेल हो गया। लेकिन टेंशन नहीं थी मुझे, मुझे पता था कि जब इसमें से सवाल आ गया तो मैं पास हो जाऊंगा, और अगली दफ़ा उसमें से सवाल आ गए हम पास हो गए, क्योंकि वो पक्के थे। वो कौन से एरियर थे, वो कंपनीज एक्ट थे और अदर लॉज थे। बीच में जो रेगुलेशन थे वो कुछ छोड़े हुए थे उस वक्त के, जो रेगुलेशन थे NBFC खास तौर पर, अदर लॉज अच्छे तगड़े टका के किए हुए थे। तो स्ट्रेटजी थी उस वक्त चलती थी, अब नहीं चलती। पढ़ाऊँगा सारा, बताऊँगा सारा, आपकी ऑप्शन पे होंगी कुछ चीज़ें कि अब आपने किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप कंपनीज एक्ट प्लस NBFC कर लेते हो तो आपका 50 मार्क्स का पेपर जो है वो एट लीस्ट सिक्योर हो जाता है, क्योंकि क्या है आपकी पहली ग्रेड ये है कंपनीज एक्ट रूल्स, और ये 40 और 25 कितना होता है 65 से 45, इतना सिलेबस आपका कवर हो जाता है इससे। तो ये 50 मार्क्स कम अज़ कम आपके इसमें से कवर हो जाते हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट के रिलेटेड रूल्स हैं वो तो करने ही करने, प्लस अब अदर लॉज में से कितनी चीज़ें हैं जिनको हम बड़ी डेप्थ के साथ हम करते हैं। उनमें सिक्योरिटीज़ एक्ट है, एक उसका सेक्शन नहीं हमने छोड़ना। कोड ऑफ एथिक्स में आपका जो CCG है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसका एक लफ्ज़ नहीं छोड़ना हमने, ठीक है। फिर आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, हमने सारा करना है। फिर आपका आ जाएगा इसमें वो जो सब्सटेंशियल एक्विजिशन के लॉ रेगुलेशंस हैं वो नहीं छोड़ने हमने। कंपटीशन कमीशन का जो लॉ है वो हमने करना है। फिर उसमें ना इनसाइडर ट्रेडिंग की गाइडलाइंस हैं, ये हमने जब कर लेना है सारा, तो फिर इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि हम थोड़ा रिस्क ले लें। फॉरेन एक्सचेंज भी हमने करना है सारा। अब फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल में उन्होंने ना चेंजेस कर दिए, पिछली दफ़ा स्टेट बैंक ने चेंजेस कर दिए, तो फॉरेन एक्सचेंज करेंगे। तो ये चीज़ें जब हम सारी कर लेते हैं तो हमें खुद ही अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि हमने कोई इसमें से 40 नंबर और भी सिक्योर कर लिए हैं। बैंक और इंश्योरेंस पर 10 नंबरों के लिए रह जाते हैं, करेंगे उनको भी, लेकिन हम उसकी कितनी डेप्थ में जा सकते हैं ये फिर आपकी और जो अंडरस्टैंडिंग है और हिम्मत है उसके ऊपर फिर डिपेंड करेगी बात। हम लेकिन इस दफ़ा ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। अगर ICAP करता है तो फिर हमें तो पढ़ाने में कोई मसला है ही नहीं। इंश्योरेंस एक्चुअली पिछले 12 साल में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से कभी टेस्ट नहीं हुआ इस अटैम्प्ट से पहले, वॉज नेवर टेस्टेड। मुदारबा भी कोई 10 साल के बाद इससे प्रीवियस अटैम्प्ट में टेस्ट हुआ था, कर लिया ICAP ने, खुशी है उनकी। अब उन्होंने आपके लिए कुछ और चीज़ें फिर एग्ज़ाम गाइडेंस जी। एग्ज़ाम गाइडेंस में पहली चीज़ वही है, एग्जामिनेशन शैल बी अलाउड टू ब्रिंग ड्यूली बाउंड ओरिजिनल बुक्स ऑफ बेयर एक्ट्स रूल्स एंड रेगुलेशन पब्लिश्ड बाय एनी पब्लिशर। एनी बुक कंटेनिंग कमेंट्री ऑन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन शैल नॉट बी परमिटेड। बाउंड वॉल्यूम ऑफ बेयर एक्ट रूल एंड रेगुलेशन प्रिंटेड फ्रॉम वेबसाइट डू नॉट क्वालिफाई एज ओरिजिनल पब्लिश्ड बुक्स, हैंस शैल नॉट बी परमिसिबल। फर्दर देर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ बुक्स टू ब्रॉड अंडर द पॉलिसी, प्लीज नोट दैट मॉडल पेपर अवेलेबल है। ओपन बुक एग्जाम में क्या करना है, क्या सिर्फ सेक्शन का रेफरेंस दे के आगे गुजर सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, सेक्शन का रेफरेंस दे के नहीं आगे गुजर सकते, आपने वो सेक्शन रिप्रोड्यूस भी करना है कि जैसे ऐसे ही आपने अज्यूम करना है कि एग्जामिनर के पास बुक नहीं है। आपने उसको बताना है कंपनीज एक्ट सेक्शन 250 स्टेट्स दिस, हैंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ आंसर ये है मेरा।
आंसर शुड बी बेस्ड ऑन लॉ कवर्ड अंडर द सिलेबस ऑफ कॉर्पोरेट लॉज. एग्जामिनी शुड राइट द रिक्वायर्ड डिटेल ऑफ रेलिवेंट सेक्शन वेयर एवर नेसेसरी. ओनली मैंशनिंग द सेक्शन नंबर विल नॉट सफाइस. कवरेज ऑफ एरियाज ऑफ सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस इन द सिलेबस के बारे में ये बता दिया उन्होंने, ये नई इस दफ़ा बात ऐड की है. ऑल टॉपिक्स इन कॉर्पोरेट लॉज आर एग्जामिन्ड फॉर सिक्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स विच आर मैंशनड इन द सिलेबस. अमंग दीज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू परफॉर्म सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस. अकॉर्डिंगली क्वेश्चन रिलेटेड टू सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस मे बी आस्क्ड फ्रॉम एनी टॉपिक इंक्लूडिंग कंपनीज एक्ट और वॉट एवर. पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन 2017 में कुछ चेंजेस आई हैं SRO 23 दिसंबर 2020 के ज़रिए, ये एग्जामिनेबल हैं. 20 मई 2021 को एक अमेंडमेंट आई NBFCs में, एग्जामिनेबल नहीं है, छोड़ दिया उन्होंने इसको. और 31 मार्च को जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशन में चेंजेस आई हैं, ये एग्जामिनेबल हैं. तो इसके लिए हो सकता है कि आपके पास अगर पहले से कोई किताब है तो उसको थोड़ा अपडेट करना पड़े आपको. अच्छा, अब बात कर लें किताबों की भी. नॉर्मली ऐसे इस्लाम इस्लामाबाद वाले हैं जो कि एक किताब प्रिंट करते हैं, उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है कंपेंडियम ऑफ कॉर्पोरेट लॉज. तो उनकी किताब आप नॉर्मली परचेज करेंगे ओपन बुक पेपर के, अपने साथ कैरी करने के लिए. अपने साथ कैरी करने के लिए आप ये वाली बुक रखेंगे. आप ये बुक अपना ओढ़ना बिछोना बना लेंगे. आप इस बुक को अंडरलाइन भी कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट राइट ऑन दैट बुक एनीथिंग. लिखना उन्होंने मना किया हुआ है. इतने जालिम हैं. पहली दफ़ा जब मैंने ओपन बुक की ओरिएंटेशन दी तो उसमें मैं बोल गया कि सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस अब जो है ना लाजमी हो जाएगा, क्योंकि सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के बगैर पेपर नहीं बना करेगा. तो मुझे एक बंदे की कॉल आ गई जो कि रेलिवेंट कमेटी का पार्ट एंड पार्सल था. उसने मुझे बताया कि हमारे तो जहन में नहीं था, आपने कहा सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस डाली जा सकती हैं, तो हमने कहा कि फिर तो ठीक है, फिर तो शामिल ही कर देते हैं. अब जो नई स्कीम में सिलेबस जो कॉर्पोरेट लॉ का पेपर आ रहा है, नई स्कीम जो अभी 2021 वाली स्कीम है, उसमें उसका नाम ही कॉर्पोरेट लॉ एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस है, यानी उसके नाम में शामिल है. और वो मुझे कहते जी आप कहेंगे तो हम ज़ाहिर सुनेंगे तो सही ना. मैं कहा इसका मतलब है आप लोगों से बचा के रखा करें. बाद में मुझे ना अंदाज़ा हुआ कि मैं समटाइम सोचा करता था कि एक दफ़ा मॉक में मैं सवाल पूछता हूँ, अगली दफ़ा वो आई कैप में आया हुआ होता है, उसी तरह का सवाल मिलता जुलता. चक्कर क्या है, तो वो देखते रहते हैं इसका मतलब है कि कहाँ से क्या हो रहा है. पेपर बनाने वाले और पेपर चेक करने वाले, उनका पढ़ने पढ़ाने से तो कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आई कैप कैटेगोरिकली मना करता है, अंडरटेकिंग लेता है कि आप पढ़ाते तो नहीं कहीं. अगर आप पढ़ाते हैं तो फिर आप क्वालिफाई नहीं करते. अब जो बंदा पढ़ाता नहीं है, उसने पेपर बनाना है, काम पकड़ लिया उसने कि मैं पेपर बनाऊंगा, तो वो क्या देखेगा? वो यही देखेगा ना कि दूसरे कॉलेजों में जो कॉलेजेस हैं उनमें मॉक पेपर में क्या पूछा जा रहा है, देखूं इंस्पिरेशन ले लूं कुछ अगर मिल जाए तो. या फिर ये कि अपने को चार पांच दोस्तों से बैठ के वैसे ही बात करें कॉर्पोरेट लॉज के क्या मसाइल आ रहे हैं आजकल तुम लोगों को, कौन सा कोई अच्छा मसला हल किया, वो उसके सामने आ जाए और वो उसकी बेसिस पे आपको सवाल बना दे. तो ऐसे ही बनाएगा ना, और कहाँ से बनाएगा. एक बंदा जो पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, हमें 10 12 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे जहन में आइडियाज़ आएंगे, पढ़ाते हुए आएंगे कि ये बात ऐसे है तो ऐसे भी पूछी जा सकती है. मेरे जहन में क्यों आएंगे, क्योंकि आप लोग सामने बैठे हैं, आप लोग सवाल पूछते हैं. अगर ऐसा नहीं हो तो फिर कैसा होगा, अगर वैसा नहीं हो तो फिर कैसा होगा. जब आप सवाल पूछते हैं तो अपना जहन भी काम करता है. एग्जामिनर का इस सारी बात से कोई ताल्लुक नहीं है, उसने सिर्फ देखना है किसी ने सवाल में क्या पूछा, मैं भी ज़रा मिलती जुलती चीज़ पकड़ूँ ना उसके साथ ही. दूसरे पेपरों में ना उसके लिए आसान है, उसके पास ICW के पेपर होते हैं, ICIW के पेपर उठा लिया, ACCA का पेपर उठा लिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया का पेपर उठा लिया, कनाडा का उठा लिया, कहीं से मिले पेपर. रिपोर्टिंग तो सारी दुनिया में एक जैसी है, ऑडिटिंग सारी दुनिया में एक जैसी है, उठा लिया बना लिया. कॉर्पोरेट लॉ में मसला ये है कि कॉर्पोरेट लॉ का पेपर इस लेवल पर पूछता ही नहीं है कोई एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें कॉर्पोरेट लॉ इस लेवल पर टेस्ट किया जाता हो. हमेशा बेसिक लेवल की टेस्टिंग होती है इसकी, तो यहाँ पे आके उसको इनोवेट करना पड़ता है. फिर ज़रा आपको पता ही है, अब वो भाई सुन रहा होगा तो नाराज़ भी हो रहा होगा जो भी एग्जामिनर है, हमें तो नहीं पता होता कौन एग्जामिनर है. एस एस लाम की बुक है, ये आपने परचेज करनी है. आई बिलीव कि ये आपको कॉलेज से अवेलेबल होनी चाहिए. आज अगर नहीं भी होगी तो एक दो दिनों में अवेलेबल हो जाएगी. वो ये करता होता है एस एस लाम वाला भाई कि वो जो किताब आती है तो उसमें अगर कुछ चीज़ें चेंज हो जाएँ
तो वो बाद में उसका अडेंडम दे देता है, अडेंडम वो हम फिर उसे रिक्वेस्ट करके बनवा लेते होते हैं कि बना दें बच्चों के लिए, अब ज़रूरी है, ऐड कर देता है। उसके अलावा मैं आपको दूंगा नोट्स, स्टडी नोट्स, ये आपका पूरा लेक्चर कवर कर, पूरा सिलेबस कवर करेंगे। मैं नोट्स क्यों दूंगा आपको, सिर्फ टॉपिक वाइज करने के लिए, चीज़ों को टॉपिक वाइज करने के लिए, और इसका कोई ख़ास मकसद नहीं है। बेसिकली यू शुड रिलाई इंटायरली ऑन द बुक, जो कि ओपन बुक आपने कैरी करनी है एग्ज़ाम में। तीसरी चीज़ जो आपके लिए अवेलेबल होगी वो होगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जितने एरियाज आपके सिलेबस के हैं उन सारे एरियाज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। आज आप बैठे हैं, थोड़े चार्ज्ड हैं, मतलब जाहिर है आप चल के आ गए हैं पढ़ने के लिए, आज आपके जहन में ये भी होगा कि हमारे टेस्ट होंगे, आप हमारे टेस्ट लेंगे, मैं टेस्ट भी ले लूँगा, लेकिन आप लोगों ने टेस्ट देने नहीं हैं क्योंकि चार्जिंग आपकी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन बहरहाल अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस तमाम टॉपिक्स के अवेलेबल होंगे, जो पहले से मेरे डेटा बैंक में हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि साथ साथ मजीद भी तैयार करता रहूँ, तो वो भी आपको साथ साथ मिलेंगे। लेकिन ये साथ साथ होंगे, नोट्स भी इकट्ठे नहीं दूंगा, साथ साथ दूंगा, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी साथ साथ दूंगा। ये आपके LMS पर ही अपलोड हो जाएंगे, जो आपको लॉगिन मिलेगा, जिस या लॉगिन अगर आप फिजिकल वाले नहीं भी हैं तो आपको कोई मोड बना के अवेलेबल कर दिए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। तीसरी चीज़ आपने जो करनी है, आपने ये करना है कि आपने जो कॉरपोरेट रिपोर्ट्स हैं मुख्तलिफ कंपनियों की, वो पढ़ा करनी है। कॉरपोरेट रिपोर्ट्स लिस्टेड कंपनीज की, कॉरपोरेट रिपोर्ट्स कह लो या इसको आप एनुअल रिपोर्ट्स कह लो, एनुअल रिपोर्ट्स आपने पढ़नी है। आपके जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो क्या होती हैं, ये जो है ना जी, ये आपके कॉरपोरेट सेक्रेटेरियल मैटर्स का क्रक्स होती है, ये जो चीज़ होती है, ये चीज़ देख रहे हो, इसमें ये जो चीज़ें हैं ना, नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, चेयरपर्सन रिव्यू, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल हाईलाइट्स, ये आपके चलो फाइनेंशियल हाईलाइट्स को छोड़ भी दो, तो यहाँ तक जो चीज़ें हैं ना, ये आपके कॉर्पोरेट लॉज के लिए रेलेवेंट होती हैं। ये आपने जितनी ज़्यादा कंपनीज़ की पढ़ सकें उतनी ज़्यादा कंपनीज़ की पढ़नी है, और समझनी है कि उन्होंने क्या लिखा, उसका बैकग्राउंड क्या है, बेसिक्स क्या हैं। कुछ मैं आपको पढ़ा दूंगा, कुछ आप लोगों ने खुद पढ़नी है, ठीक है। और ये है रिव्यू रिपोर्ट ऑफ टू द मेंबर्स ऑन स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये भी कॉर्पोरेट लॉज के लिए रेलेवेंट बात है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये अब कॉर्पोरेट लॉज के लिए भी रेलेवेंट है, और ऑडिटर्स ऑडिट एडवांस्ड ऑडिट एंड क्या वो WRS कहते हैं इसको, ये उसके लिए भी रेलेवेंट है। ये जो पोर्शन है सारा, ये आपके WFR के लिए रेलेवेंट है। तो जो आपकी एनुअल स्टेटमेंट्स हैं, ये आपके लिए एक यूनिवर्सिटी हैं बनी बनाई, कि जो आपको हेल्प करेंगी चीज़ों में। नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग कैसे बनता है, क्या होता है, इसके डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, करेंगे इसके ऊपर बात। आज सिर्फ मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ये रिपोर्ट आपको मिलती कहाँ से है, अब ये तो मैंने आपको दे दी ना, ये आपको मिलती कहाँ से है, किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर जाएं, किसी भी लिस्टेड कंपनी का नाम लें। वो जो आपने देखी थी वो थी निशात चुनिया की फाइनेंशियल रिपोर्ट, निशात मिल्स की वेबसाइट है। जो भी कंपनी होती है ना, उसमें एक इन्वेस्टर रिलेशंस का कॉलम होता है, एक उसका पार्ट एंड पार्सल होता है इन्वेस्टर रिलेशंस। इन्वेस्टर रिलेशंस में ये पड़ी होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने वहाँ से जा के ये देखनी है। इन्वेस्टर रिलेशंस में SECPs, इन्वेस्टर कंप्लेंट सेक्शन, उनके कहने के मुताबिक, फिर कंपनी की गवर्नेंस कैसे हो रही है, इन्वेस्टर रिलेशंस क्या हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या है, ऑडिटर और लीगल एडवाइज़र कौन है। आई बिलीव यहाँ पर होगा इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन, इसमें होगा शायद, नहीं ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं, प्रोसेसिंग है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होना चाहिए असली तौर पर।
फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, और ये देखो ईयर 2021 इसके क्वार्टरली अकाउंट्स आ रहे हैं, और फिर ईयर 2020 के हाफ ईयरली एनुअल जो भी उसके अकाउंट्स थे वो प्रोवाइड हो रहे हैं, क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर। अच्छा ये क्वार्टरली है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होगा शायद उन्होंने जो उसका पूरा नाम लिखा हुआ होगा, उसमें था एनुअल का कॉलम, ये आ रहा है एनुअल, एनुअल रिपोर्ट 2020 ये आ रही है, यस। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएंगी जहाँ से आपने इनको स्टडी करना है। अच्छा इनका इनका पढ़ना कोई मतलब वो नहीं है, कम्बरसम लगेगा आपको, लेकिन ये एस्टीम ऑफ कॉरपोरेट प्रैक्टिसेस होगी, एस्टीम ऑफ योर कॉरपोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस की एस्टीम होगी इसके अंदर, क्योंकि ये क्या जनरल, आप कहेंगे मैंने एक कंपनी की एजीएम का नोटिस पढ़ लिया काफ़ी है, भाई एक कंपनी की एजीएम के नोटिस में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंसिडरेशन थी, डिविडेंड की बात थी और ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की बात थी, उनका डायरेक्टर्स का इलेक्शन था ही नहीं, उस साल ड्यू नहीं था। आप एक दूसरी पढ़ोगे उसमें डायरेक्टर्स का इलेक्शन भी आ गया, लेकिन इसमें अभी सिर्फ ऑर्डनरी बिजनेस आए हैं। कोई और पढ़ोगे उसमें स्पेशल बिजनेस आ जाएगा कि एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट के रेगुलेशन आपके सिलेबस में है, एसोसिएट कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन होनी है, उसकी स्पेशल रेजोल्यूशन की स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट बननी है, और वो पूरे 2012 के 17 के जो रेगुलेशंस हैं उनकी कंप्लायंस होनी है, वो पूरी कंप्लायंस वहाँ लिखी होगी। कोई और कंपनी है उसकी बीच में कोई और एक आ जाता है इम्पैक्ट, कोई और चीज़ स्पेशल बिजनेस में आ जाती है, उन्होंने कोई अपना मेजर सेगमेंट ऑफ बिजनेस बेचना है, स्पेशल बिजनेस करना है, उन्होंने कोई सब्सिडरी एक्वायर करनी है, उन्होंने कोई, तो एजीएम्स में कुछ भी आ सकते हैं। एजीएम्स के अलावा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के नोटिसेज हैं वो भी एक जगह से मिल जाते हैं, बताऊंगा मैं वो भी आपको, कि कुछ कंपनियां साल के दौरान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स करती हैं, क्यों करती हैं भाई, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस या कॉरपोरेट लॉज की एप्लीकेशन किन चीज़ों पर होनी है, इन्हीं चीज़ों पर होनी है ना, तो जो एप्लीकेशन करके रखे हुई है लोगों ने, अगर हम वो ना पढ़ें तो वही शैल बी ऑन द लूजिंग एंड ना, हमने लूजिंग एंड पे तो नहीं रहना, इसलिए ये करना है ज़रूरी। पीडीएफ फाइल ज़रा भारी होती है ये वाली, टाइम ले रही है लोड होने में, पर मैंने बता दिया आपको कहाँ से मिलती है, यस वहाँ से भी मिल जाएगी, यू आर राइट। ये कंपनी के लिए कंपलसरी है ना कि पीएसएक्स की वेबसाइट पे आपने इसको अपलोड करवाना है, तो ये कंपनी के लिए कंपलसरी है, इन्हीं से तो चीज़ें पता चलती हैं हमें। अच्छा ये आपका रीडिंग का होगा, आपने पूछा था आईकैप की, आईकैप ने फाइनल लेवल पे कॉरपोरेट लॉज और एडवांस टैक्स इसके लिए अपनी स्टडी टैक्स नहीं दे रखी है, आईकैप ने स्टडी टैक्स बनाई ही नहीं है इसकी, इस्तदलाल उनका ये है कि अगर हम इसके ऊपर स्टडी टैक्स बनाएंगे तो वो मैटर जो है ना, स्टडी टैक्स दायरा बनाएंगे तो लॉग छाप तो सकते नहीं है, फिर क्या होगा कि फिर हमें समरी करनी पड़ेगी, और जब भी हम लॉ की समरी करते हैं ना तो वो बात चली जाती है इंटरप्रिटेशन के ऊपर कि आपने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया हुआ है, तो आई क्या आप ये जिम्मा नहीं लेना चाहता कि हम लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो कहते हैं बेयर लॉ आपके पास है, जहाँ से मर्जी ले आओ और ले आओ एग्ज़ाम में, हम इसकी प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस किट देंगे, तो प्रैक्टिस किट आई क्या बना रखी है, प्रैक्टिस किट इज़ अ गुड रादर बेटर थिंग टू प्रैक्टिस, कि चलो कुछ टॉपिक पढ़ लिया तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो आई कैप की अब वेबसाइट से, आई कैप की बुक से, अदरवाइज उन्होंने और कुछ नहीं आपके लिए इसमें दे रखा। चलिए यहाँ तक आपके कोई सवाल हो जी, आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन, आपने पूछा था इसको पढ़ना कैसे है, देखो जो चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे आप यूँ समझ लो कि जितना बड़ा कोर्स है वर्चुअली पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एक एक, एक प्रोविजन पढ़ा दूंगा, ये चीज़ तो आपको भी खुले जहन के साथ सोचनी चाहिए। मैं आपको क्रक्स ऑफ द मैटर बता सकता हूँ, मैं आपको उसकी एप्लीकेशन बता सकता हूँ, मैं आपको उसका बैकग्राउंड बता सकता हूँ, उसका फोरग्राउंड बता सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपसे एग्जामिनर इस चीज़ को कैसे टेस्ट करेगा, लेकिन फिर भी वो जो उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक रीडिंग करनी है वो तो आपने करनी है ना, तो फिर जितना एक क्लास में पढ़ा जाएगा उतने से रेलेवेंट जो सेक्शंस होंगे वो आप पढ़ेंगे खुद,
और अगर मैं क्लास के एंड पे नहीं बताऊंगा तो आप मुझसे पूछेंगे कि वो कौन से सेक्शन हैं जो हमने आज पढ़ लिए हैं, ताकि हम उनको मार्क कर लें कि अब हमने इनको पढ़ना है। ठीक है, एक तो वो सारे आप पढ़ें। अगले दिन आप यहाँ क्योंकि कैंपस में बैठे हुए हैं, आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगले दिन आप पहले सवाल पूछें उसमें से जो कल पढ़ा था, और फिर हम आगे चलेंगे। कि अब आपने सोचना है कि आपको पढ़ने का टाइम कहाँ मिलेगा, कैसे पढ़ेंगे, दिन में तो काम पे हैं जी, रात को आर्ट क्लास पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको उसका रास्ता बनाना पड़ेगा, तरीकाकार कुछ बनाना पड़ेगा। तो फिर आप सवाल पूछेंगे तो ज़रा और चीज़ें इलैबोरेट हो जाएंगी। चलते चलते ऐसे ही आपको सारी चीज़ें गो थ्रू होती जाएंगी, और एक दिन आएगा कि आप ये समझ लेंगे कि आपको एक मेजर पोर्शन ऑफ द लॉ जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में अब है, और अब आप उसकी जितनी प्रैक्टिस कर लो उतना अच्छा है। तो फिर उसके कोई टॉपिक वाइज एक दो जो जो टेस्ट वगैरह होंगे वो आपको प्रोवाइड कर देंगे जब आप इस काबिल हो जाएंगे तो। लेकिन करना ऐसे ही है कि जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में उसके रेलेवेंट सेक्शन सारे पढ़ लिए जाएँ। जो चीज़ बता दी कि ये चीज़ें इससे रेलेवेंट हैं वो सारी लाजमी करें। क्लास में बैठना है, या जो लोग हाइब्रिड मोड में भी अब ऑनलाइन पे क्लास ले रहे हैं कि जी हम रिकॉर्डेड वर्जन ले लेंगे इसका, आप लोग भी जो लोग भी पढ़ रहे हैं, जब आप क्लास सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं तो उसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे क्लास हो रही है। अपने कागज़ पेन अपने पास खुला रखें और कागज़ के ऊपर आप कुछ ना कुछ लिखते रहें, अपने नोट्स लेते रहें। दो चीज़ें होंगी इससे, एक तो ये कि वो नोट्स आपको हेल्प करेंगे कल को चीज़ें मेमोराइज करने में। हो सकता है वो कागज़ आप यहाँ से उठें और फेंक दें, तो वो कागज़ हो सकता है आपके उस तरह काम करना हो, या आप उतने अच्छे नोट्स ना ले सकते हो, फेंक देंगे। लेकिन जब आपने एक चीज़ लिखी है ना तो आपके दो तीन सेंसेस ने काम किए। अभी आप सुन रहे हैं, आपकी सिर्फ सुनने की हिस्स काम कर रही है, जब साथ साथ लिख भी रहे हैं ना तो एक और आपका मेमोरी का एक एलिमेंट बढ़ गया है, तो आपके याददाश्त में ज़्यादा बैठ गई ये चीज़। तो कागज़ पेन खुला रखें और चीज़ें नोट करते जाएं, और अगर आप वो ले आते हैं अपना बेयर लॉ भी तो साथ वहाँ पर अंडरलाइन भी करते रहें चीज़ों को, तो वो ज़रा ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए। और जो आपकी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के बारे में बातें होंगी वो साथ साथ चलेंगी। ये नहीं हो सकता कि हम उसके लिए स्पेसिफिक कर लें कि ये तीन दिन में ये चार दिन में हम सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस कर लेंगे। हर कॉरपोरेट इवेंट की सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस है, और हर कॉरपोरेट इवेंट की सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस हमने करनी है अलहदा से। तो कोई बात यहाँ तक डिस्कशन वाली। नोट्स बेसिकली आपके लिए चीज़ें ज़्यादा ईजी टू मेमोराइज करने के लिए हैं, कि आपको जो टॉपिक वाइज चीज़ मिल जाएगी ना। वरना क्या होता है कि इशू ऑफ शेयर्स को कंपनीज एक्ट भी डील कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशन भी किसी हद तक डील कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स को फर्दर इशू का रेगुलेशन भी डील कर रहे हैं, और पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन भी डील कर रहे हैं। तो तीन जगहों पे अलग अलग पढ़ने के बजाय बेहतर नहीं कि उसका मिक्सर बना के एक जगह पे पढ़ लिया जाए, शेयर इशूएंस की साइंस को समझ लिया जाए एक ही जगह पे। तो नोट्स ऐसे बने हुए हैं टॉपिक वाइज। क्रैमिंग या याद करना, उसकी एक लॉजिक है मेरी कि लॉ अगर मुझे समझ आ गया है तो मुझे याद हो जाता है। आपको भी ऐसा ही होना चाहिए कि लॉ अगर आपको समझ आ गया है तो क्रक्स ऑफ द मैटर आपके जहन में है, आप सिर्फ उसकी कोई जज़ियात होंगी डिटेल्स जो आपके लिए नहीं होंगी जहन में हाफ़ज़े में। जिनकी ये अटैम्प्ट नहीं है और इनकी जून अगले में अटैम्प्ट होगी, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, उनके पास ज़्यादा टाइम है चीज़ों को समझने और अंडरस्टैंड करने के लिए। वो अपना जो प्रैक्टिस है उसको ज़्यादा कर सकते हैं अक्टूबर के एंड पे या नवंबर के शुरू में जब क्लासेस ख़त्म होती हैं, तो उसके बाद भी उनके पास टाइम है कि इस तैयारी को साथ साथ करते ही रहें। उनके पास ये भी ऑप्शन है कि वो पिछले साल वाली रिपोर्ट जो हम डिस्कस करेंगे और इस साल वाली जो रिपोर्ट्स कंपनीज की आएंगी उन सबको एक नज़र देख लें, ताकि उनकी ज़रा अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ जाए। वो जैसे अभी आपको मैंने दिखाया ना, आईकैप अपनी एग्ज़ाम गाइडेंस देते हैं हर दफ़ा, एग्ज़ाम गाइडेंस ये 2 साल से ना आईकैप ने करना शुरू कर दिया है। एग्ज़ाम गाइडेंस का एक पूरा बना के पेज आपको दे देता है कि फलां जो चेंज है ये एग्जामिनेबल है और फलां जो चेंज है वो एग्जामिनेबल नहीं है, तो वो आप ट्रैक रख सकते हैं, मसला नहीं है। कॉर्पोरेट लॉज में ना चेंजेस कोई हैवी चेंजेस नहीं होती, होती हैं ट्विकिंग होती है, चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदलती हैं, लेकिन वो कोई ऐसी नहीं होती कि मुझे एक चीज़ आती है
उसमें चेंज आ गई तो मुझे पढ़ के समझ ना आए, मैं सिर्फ उसका एक ट्रैक रखना है कि अच्छा आप इसमें क्या चेंज आ गई है। जिनकी अटैम्प्ट ज़्यादा लेट है वो फिर अभी जो बेयर लॉ है वो बेशक ना ख़रीदें, क्योंकि वरना उनको दो दफ़ा ख़रीदना पड़ जाएगा। अगर तो आप समझ दें कि बेयर लॉ 1000 रुपये का मैं अभी भी ले सकता हूँ और अगर दोबारा लेना पड़ गया तो 1000 रुपये में फिर लगा सकता हूँ, फिर तो आप ले लें। लेकिन अगर आप समझ दें कि नहीं ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और मैं तो मतलब नहीं ले सकता, ये मैंने करना ही नहीं है, तो फिर आप तब ले लीजिएगा जब आपकी अटैम्प्ट हो। आपकी अटैम्प्ट फ़र्ज़ करो जून में आती है तो इसका जो भी जनवरी में वर्जन अवेलेबल होगा वो लीजिएगा। फॉर्म का बेयर लॉ भी आप यूज़ कर सकते हैं, अपडेट होता रहता है। ये वैसे मैंने मजाकन बात की थी, 1000 रुपये का आप पिज़्ज़ा खा जाते हैं। वैसे किताब पे पैसे लगाते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फील होते हैं। हाँ बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर आप एक ही पब्लिशर की बुक लेंगे ना उसमें वो चीज़ें तकरीबन वहीं वहीं लिखी होंगी, तो एक दिन आपका लगेगा कोई 4-5 घंटे के जो हाईलाइट पहले किया था ज़रा देखे बगैर उसको हाईलाइट कर लूँ, वरना जब भी आप दोबारा पढ़ेंगे आपने कौन सा हाईलाइटिंग से बाहर आना है, हाईलाइटर तो आपके हाथ में ही होते हैं। हाँ वो भी मिल जाती हैं, वो भी मिल जाती हैं, बट समटाइम ऐसा होता है जैसे ना अभी एक कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट नेशनल असेंबली ने पास कर दिया हुआ है, सेनेट में पड़ा हुआ है वो, ठीक है। जिस दिन सेनेट ने उसको अप्रूव कर दिया उस दिन आपके कंपनीज एक्ट में ना कमोबेश 80 चेंजेस आ जाएंगी। जब 80 के करीब चेंजेस आएंगी तो फिर तो उन्होंने नया ही पब्लिश करना है ना। न, 2020 में आई थी और वो कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के नाम से आया था। जैसे बहुत ही अच्छा कानून था, बहुत ही अच्छी चेंजेस थी उसके अंदर, बड़ी शानदार चेंजेस थी, बट वो मामला हो गया पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल इस वजह से हो गया कि डिसक्वालिफिकेशन ऑर्डर्स का एक जगह पे लिखा हुआ था तस्करा एक सेक्शन में, और उसमें लिखा हुआ था कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स डिसक्वालीफाइड तसव्वुर होंगे डायरेक्टर बनने के लिए। तो उसमें जो है ना वो उन्होंने एक दो लोगों को निकाल दिया था लिस्ट में से कि ये डिसक्वालीफाइड नहीं माने जाएंगे। वो मामला पॉलिटिकल हो गया, उसकी वजह से जो अच्छी चेंजेस आई थी लॉ में वो भी सारी की सारी गारत हो गई। हालांकि उन्होंने तो ये चाहिए था कि वो सेक्शन को ख़त्म कर देते। बाकी उन्होंने स्टार्टअप्स के लिए अच्छी चीज़ें बनाई थी, शेयर ऑप्शन स्कीम जो है वो प्राइवेट कंपनी भी दे सकती है वो बनाई थी, हमने इतनी सारी, मैंने उसके ऊपर काफ़ी काम किया था, लेकिन वो फिर उन्होंने रिपील कर दिया। वो ऑर्डिनेंस था, ऑर्डिनेंस ने वैसे भी रिपील हो ही जाना था आफ्टर 120 डेज अगर उसको प्रूव नहीं किया जाता था। अब जो नेशनल असेंबली ने बिल पास किया वो सेनेट में, अच्छा नेशनल असेंबली ने पास कर दिया, सेनेट के पेंडिंग में मुझे नज़र नहीं आया, मैं देख रहा था, लेकिन वो पढ़ा होगा अभी। तो जब वो चेंजेस आएंगे फिर तो उन्होंने एक दफ़ा चेंज करनी है ना किताब, फिर एडेंडम भी काम नहीं करेगा, इसलिए है। उतनी देर वो भाई वैसे सही कह रहे हैं, उतनी देर फॉर्म की किताबों से काम चलें। कोई एग्जांपल दें किस तरह से, जैसे लिंकिंग करने के लिए वो आपको स्मॉलर, हाँ स्मॉलर सिंबल्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं कि ये कहाँ रेफर होगा, बट आई बिलीव के जब आप पढ़ लेंगे ना लॉ, आपने पहले पढ़ा है वैसे लॉ इस, तो उसमें आपको लगता है कि ऐसी ज़रूरत पड़ेगी आपको? अच्छा मुझे नहीं लगता है कि ऐसी ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि अभी आप ना साथ साथ ज़रा पढ़ेंगे ना, जब पहला महीना डेढ़ हम क्लास पढ़ लेंगे ना उसके बाद बैठ के इसके ऊपर मेरे से बात करना कि क्या हमें ज़रूरत पड़ रही है उस तरह लिंकिंग करने की, क्योंकि हम करेंगे लिंकिंग इस तरह से कि वो सेक्शन और वो रेगुलेशन पढ़ेंगे इकट्ठा। जब पढ़ेंगे इकट्ठा तो फिर ज़ाहिर है फिर हमें पता ही होगा कि इस सेक्शन में रेगुलेशन अवेलेबल है। समरी बहुत ज़्यादा नहीं है चीज़ों की, कई कई जगहों पर समरी है, कई कई जगहों पर समरी नहीं है, बट वो टॉपिक वाइज है, कई चीज़ों को अच्छा समराइज किया हुआ है। देखो पेपर पास होने के लिए ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ इम्पॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग वहाँ से आ जाती है, लेकिन बेयर लॉ तो बेयर लॉ ही है, उसमें तो सारी चीज़ लिखी हुई है ना, इसलिए वो पढ़ने के लिए तो वो काफ़ी हैं, पढ़ने के लिए और याद करने के लिए और अपने जहन में रखने के लिए, क्रक्स ऑफ द लॉ रखने के लिए काफ़ी हैं, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है।
बट अगर मैं कहूँ कि आप बेयर लॉ में से एक दफ़ा भी ना गुजरो तो वो अच्छी बात नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि आप बेयर लॉ को लाजमी पढ़ें, उसे रेलिवेंट सेक्शंस को। देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, मैं या कोई भी और पर्सन, कोई भी और उस्ताद जब भी बेयर लॉ की समरी करेगा तो वो कहीं ना कहीं डंडी मारेगा। समरी जब भी आप करेंगे ना बेयर लॉ की, तो आपको कुछ ना कुछ उसमें से काट पीट करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप एग्जैक्ट वही बात उसे कम लफ्ज़ों में लिख दें। अगर आपने लॉ को सलीस करना है ना, तो लॉ ने अगर कोई बात डेढ़ लाइन में की है ना, तो आपने उसको आसान अल्फाज में लिखना है, आपकी चार पांच लाइनें लगेंगी। अगर आपने वो डेढ़ लाइन जो है वो आधी लाइन में लिखनी है, फिर जाहिर है आप कुछ ना कुछ नुकसान करोगे। तो वो सलीस किया जा सकता है जितना मर्ज़ी करें, लेकिन लॉ लिखने वाले देखो जी नेगेटिव में लिखते हैं, पैसिव में लिखते हैं, पैसिव नेगेटिव में लिखते हैं, नो कंपनी शैल बी अलाउड, कोई करते नहीं है कि कंपनी शैल बी डिस अलाउड, लिखते ही नहीं है, वो कहते नो कंपनी शैल बी अलाउड, उन्होंने स्पेसिफाइज का एक रखा हुआ है सिलसिला। तो वो कम से कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा जामे बात करने का जो तरीकाकार है ना, वो वही है। कुछ जगहों पर हैं जी ऐसी, बिल्कुल हैं, जैसे जी बिल्कुल कर देंगे, जो ख़ास तौर पर जो कंपनीज एक्ट के पहले सेक्शंस हैं ना, ख़ास तौर पर पहले 50-55 सेक्शंस, इवन ऑडिटर्स के सेक्शंस भी या कोई मीटिंग्स वगैरह के भी, उनको मैंने समराइज किया हुआ किया हुआ, वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा। कोशिश करूँगा, मैंने कभी भी वैसे ये नहीं कहना कि बेयर एक्ट को छोड़ के मेरी किताब को, मेरे नोट्स को सिर्फ पढ़ो। नोट्स हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर आवर डिस्कशन, जो आपने अपनी एग्ज़ाम में क्योंकि कैरी करना है वो बेयर लॉ कैरी करना है, तो लिहाजा बेयर लॉ आपको एक दफ़ा उसने लाजमी पढ़ा हुआ होना चाहिए। मैं जो आपको स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ वो क्यों दे रहा हूँ, अगर मैंने आपको फोकस फिर भी उसी के ऊपर करने का कहना है, ये सवाल आपके जहन में है। वजह ये है कि आपने होना है, जब भी बेयर लॉ खोलना है तो आपने होना है खौफजदा। जब आप सेक्शन पढ़ें और सेक्शन डायरेक्ट वहीं से पढ़ना शुरू कर दें तो आप खौफजदा होंगे, लेकिन पहले उसकी समरी पढ़ लें अगर मेरे नोट्स में से, या उसकी जो स्लीज पढ़ लें पहले और फिर वहाँ से पढ़ें, रिलेट करना आसान होगा कि यार ये वही बात है, वो वहाँ पर ऐसे लिखी हुई है तो यहाँ पर ऐसे लिखी हुई है, तो आपका वो खौफ ज़रा कम हो जाएगा और उसका कोई ख़ास इम्पेक्ट नहीं है। तो वैसे भी खुलासे तो वैसे ही ख़त्म हो गए ना हमारे, जो खुलासों से हम पढ़ के पास हो जाते थे, अब तो पास हो ही नहीं सकते खुलासों से पढ़ के, अब तो हमें डिटेल्स ही पढ़नी पड़ेंगी। जी भाई किस चीज़ की ग्लॉसरी? इंडेक्स। नहीं मैं आपको बताता हूँ, उसमें हम ये करेंगे कि हम ना कंपेंडियम को पढ़ने का या जो जो भी बेयर लॉ है उसको पढ़ने का तरीका एक दिन सीख लेंगे कि हमने उसको पढ़ना कैसे है। लॉ को उन्होंने चैप्टर वाइज किया हुआ होता है, चैप्टर के अंदर सेक्शन होते हैं, तो वो चैप्टर हमें थोड़ा सा जहन में रखने होंगे कि अच्छा इस चैप्टर में ना ये बातें हो रही हैं। चैप्टर का नाम जो होता है उससे मिलते जुलते सेक्शन उसके अंदर होते हैं, तो हम वो चैप्टर वाइज उसको जहन में रखेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा याद करना। और आपके जहन में कोई बात आती हो जी? जो डिस्कशन हमने कल करनी है वो होगी कंपनी और कंपनी की टाइप्स के ऊपर, कंपनी की क्रिएशन के ऊपर, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ऊपर। मे भी आपको लगेगा कि ये बातें हमने पहले की हुई हैं, ये दोबारा क्यों हमसे करवा रहे हैं, लेकिन जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने पहले ऐसे नहीं की थी ये, ठीक है। मेनली सेक्शन नंबर 1 से लेकर 50 तक के जो सेक्शन हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उन सारे सेक्शन को गो थ्रू करें कल और परसों में, अलॉन्ग विद इट्स सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, ठीक है।
अभी आप अपना नॉलेज टेस्ट कर लें, पुराना नॉलेज जो आप ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं, ज़रा आपसे वैसे ही आपका अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए पूछ लेते हैं। आपके ख्याल में कंपनी की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट? तो इनकी आगे कोई फर्दर सब टाइप्स भी होती हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड भी होती हैं, सिंगल मेंबर भी हैं। लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड भी कुछ होती हैं, वो क्या होती हैं? ये जो लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी है, ये क्या है, पब्लिक है या प्राइवेट है, या इसको ऐसे हम देख ही नहीं सकते? प्राइवेट नहीं है, लिमिटेड बाय गारंटी पब्लिक कंपनी है, लिमिटेड बाय गारंटी पब्लिक कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट नहीं है। प्राइवेट के दो टाइप्स हैं, सिंगल मेंबर और अदर देन सिंगल मेंबर। पब्लिक के तीन टाइप्स हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। लिमिटेड बाय शेयर्स के दो टाइप्स हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। क्या कोई कंपनी ऐसे इनकॉर्पोरेट की जा सकती है कि वो इनकॉर्पोरेट करते साथ ही लिस्टेड भी हो? क्या कोई कंपनी डायरेक्टली लिस्टेड के तौर पर इनकॉर्पोरेट की जा सकती है? नहीं की जा सकती, पॉसिबल ही नहीं है। पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट, एवरी कंपनी शैल इनकॉर्पोरेट बी इनकॉर्पोरेटेड एज ए पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। और अगर लिस्टिंग में जाना है तो प्राइवेट के तौर पर आए भी हो सकते। हमने यही चीज़ें कल और परसों के लेक्चर्स में डिस्कस करनी है। सेक्शन 1 से लेके 50 तक के जो सेक्शंस हैं, आपने इनको एक दफ़ा अगर स्किम करके आ जाएं, थोड़ा सा देख के आ जाएं कि इसमें क्या होता है। आपको जो आपकी कैफ 3 की बुक थी वो आपके पास अभी भी होगी, वाई कैप की वेबसाइट पर पड़ी हुई है, तो आप एक दफ़ा थोड़ा सा देख लीजिएगा उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखें कि आपको याद है या नहीं है। सॉरी, 1 से 50 तक इसमें आपके वही आ जाने हैं ना, 42 की कंपनियां भी आ जाएंगी, उनका 43 में लाइसेंस की रेवोकेशन भी आ जाएगी, 45 में गारंटी लिमिटेड कंपनियां आ जाएंगी, फिर उनकी कन्वर्जन टू अदर कंपनीज आ जाएंगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बातें जो कि टेबल ए और वगैरह की, वो आ जाएंगी। एक दिन में होने वाला काम है नहीं, बट कोशिश करेंगे जितना हम डिस्कशन कल कर सके इसके ऊपर। पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी में क्या फ़र्क है? ओए होए होए, दोबारा बताएं। अच्छा, पब्लिक सेक्टर कंपनी प्राइवेट नहीं हो सकती कभी? पब्लिक सेक्टर कंपनी और पब्लिक कंपनी में फ़र्क ये है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी वो है जिसकी 50% से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट के पास हों, फेडरल या प्रोविंशियल के पास हों। और पब्लिक कंपनी ज़रूरी नहीं है कि इसकी गवर्नमेंट के पास शेयर हों, गवर्नमेंट के पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये पब्लिक वो है जो कि पब्लिक अनलिस्टेड के तौर पर इनकॉर्पोरेट हुई है। बॉडी कॉर्पोरेट का क्या कॉन्सेप्ट है? किसी भी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है वो बॉडी कॉर्पोरेट है। एग्जांपल दो कोई बॉडी कॉर्पोरेट की। फर्स्ट ट्रस्ट एक्ट, एवरी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वो बॉडी कॉर्पोरेट भी होती है। फिर जहां पर रेलेवेंट स्टैट्यूट कह दे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, जैसे SECP का जो इनकॉर्पोरेशन, SECP की जो अपनी फॉर्मेशन है वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट के तहत हुई है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है, उस लॉ में लिखा हुआ है। आपकी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पब्लिक कंपनी नहीं है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है। PIA SECP के पास रजिस्टर्ड नहीं है, सॉरी अपना एक्ट है।
ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, कंपनीज एक्ट कल खोलेंगे, वहाँ से शुरू करेंगे। आपने एक और चीज़ नोट करनी है कि अगर आपको कभी कोई चीज़ ना मिले, अच्छा ये खुल गई है जी रिपोर्ट, मीनवाइल में खुल गई है, मियाँ उमर मंशा, मियाँ हसन मंशा और सैयद जाहिद हुसैन और ये रिपोर्ट बेस्ट कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स के लिए भी अपना जो है ना वो करती रही है कम्पीट, पता नहीं आप भी शायद होती हो, आपका जो है ना वो आई कैप और आई सी एम ए भी मिल के एक कंपटीशन करवाया करते हैं बेस्ट एनुअल रिपोर्ट का, ये कौन से इदारे की सबसे बेस्ट एनुअल रिपोर्ट। आपका जितना भी कोर्स मटेरियल है उसमें से मेजॉरिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगा एस सी सी पी की वेबसाइट के ऊपर, sccp.gov.pk के ऊपर। जो यहाँ पर नहीं मिलेगा वो होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल, वो आपको बैंकिंग कंपनीज बैंकिंग स्टेट बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट डाउन है पता नहीं अभी, हाँ चल पड़ी, लॉज की टैब है और लॉज में ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं जो आप आपके मतलब की हैं, इसमें लॉज में एक्ट्स हैं, ऑर्डिनेंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नोटिफिकेशंस हैं। एक्ट्स में कंपनीज एक्ट है, अच्छा इसमें जो कुछ पड़ा हुआ है सारा आपके सिलेबस में नहीं है, और जो कोई चीज़ नहीं है SCCP प्रमल्गेट करते ज़रूरी नहीं होता कि वो आपके सिलेबस में हो, ये ध्यान में रखना है, कुछ लोग ऐसे ही परेशान हो जाते हैं कि SCCP नहीं है प्रमल्गेट कर दिया, ये भी हमारे सिलेबस में है। वो कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो पिछले साल आया था वो रिपील हो गया, ख़त्म हो गया। अटैम्प्ट से हफ्ता पहले मुझसे एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर वो जो उसमें फ़लाँ फ़लाँ प्रोविजन आई थी उनका क्या करना है, मैं कह तुम आज की डेट तक तुम्हें यही नहीं पता चला कि वो अब रिपील हो गया है, तो ज़रा थोड़ा सा दुनिया और माफिया से खबर गिरी भी रखनी चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। नोटिफिकेशन की जो टैब है ना ये सबसे इंटरेस्टिंग टैब है, क्योंकि जो भी आपका नया कानून बनना है, कानून में चेंज आनी है या कुछ भी, वो नोटिफिकेशन के ज़रिए आनी है SRO के ज़रिए। तो जो रिसेंट नोटिफिकेशन हैं कभी कभार खोल के देख लिया कि इसमें कौन से नोटिफिकेशन आए हुए हैं, मेरा इंटरनेट मुझे ज़रा शर्मिंदा कर रहे, तो नोटिफिकेशन की टैब आपने देखा करनी, ठीक है। कोई आपके करने की बात है तो बताइए, वरना फिर आज के लिए ये सेशन काफ़ी है, कल इंशाल्लाह फिर पढ़ना शुरू करते हैं बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी की डेफिनेशन से। कोई नहीं है, ख़त्म करें फिर आज के लिए, कल इंशाल्लाह फिर शुरू करते हैं जी 6:30 बजे।